और EIS में लगेंगे बाकी के बचे हुए 25, दोनों हैं कितने मार्क के। इतना सुनते ही जिसको सिर्फ पास होना है वो अभी से दिमाग में एक बात बैठा देगा, भाई 15 क्लास में खत्म हो रहा है, 50 मार्क्स आ रहे हैं, इतना पढ़ेंगे काम हो जाएगा। कुछ बच्चे इसमें थोड़ा और ज्यादा दिमाग लगाएंगे, वो बोलेंगे ये पूरा कर लेते हैं। EIS में कितने, अच्छा SM में चैप्टर्स हैं 8 और EIS में चैप्टर हैं 5, ठीक है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे SM हम पूरी पढ़ लेते हैं, EIS के 5 में से कुछ 2 कुछ 1 कुछ 3 जिसकी जैसी हैसियत वो उसके हिसाब से सेट कर लेगा। और वो पहले से ही बोल के चलेगा मेरे ना 80 मार्क्स आ जाएंगे और मुझे इतने ही चाहिए, मतलब FM अकाउंट्स बाकी में ले आऊंगा 90+80+, इसमें ऑडिट में ले आऊंगा 40+60+ और मेरा ग्रुप निकल जाएगा। अगर आप इस धारणा के साथ बैठे हैं मैं आपको अभी कह रहा हूँ आप फेल हैं, रिफंड लेना है ले लो, पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 100% कोर्स पढ़ेंगे तब जाके 50 आएंगे। इतना पढ़ोगे तो मुझे लगता है इतना लिख के आओगे, लेकिन हाँ इतना जो पढ़ाया अगर आपने इसको रिवाइज भी कर लिया तो फिर मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि आप 60+ जिसको आप एग्जेम्पशन बोलते हैं आपके उसके ऊपर ही आएंगे, आपके उससे कम नहीं आएंगे। बट मेरा आज तक का अनुभव है, मैं 2009 से पढ़ा रहा हूँ, आज 2022 आ चुका है, मुझे पढ़ाते हुए 13 साल हो गए, तो मैं जितना अनुभव रखता हूँ उसके हिसाब से मैं आपको ये बता सकता हूँ EIS SM आज तक किसी ने एक बार से ज़्यादा रिवाइज ही नहीं किया। मतलब मैं क्लास में पढ़ा दूँ बच्चा बुक बंद कर देता है, होमवर्क करता नहीं है, बिकॉज थियोरी में क्या होमवर्क करना, अकाउंट्स में फिर भी होता है, टीचर ने 2 क्वेश्चन कराए 6 क्वेश्चन होमवर्क दिए, उसके बाद टीचर ने नेक्स्ट क्लास में दोबारा 2 क्वेश्चन कराए। लेकिन EIS SM में क्या होगा, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, मैं आप या लॉ में आज तक अभी कोई क्वेश्चन सॉल्व किए, जुबानी किए, लिखा आज तक कभी कोई आंसर क्लास में, हर क्लास के बाद। अगर आप लॉ जैसे सब्जेक्ट में, लॉ EIS SM ऑडिट में अगर आप कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन करने लगेंगे ना, तो ये सब्जेक्ट FM कॉस्टिंग और अकाउंट से भी ज्यादा बड़े हो जाएंगे, बिकॉज पहले हमें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी और फिर हमें उसके, और आपको ही पता है कोरम में कितने क्वेश्चन रहते हैं, प्रॉक्सी में कितने क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको होमवर्क दूंगा जरूर, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ 25 तारीख के बाद तो तुम वैसे ही बोलोगे बस ये कितना पढ़ना है सर, कब खत्म होगा, इसमें 50 मार्क कैसे आते हैं, बस इस थोड़ा ध्यान रखना। 2 वजह से बच्चा फेल हो रहा है मार्केट में, ये मेरा अनुभव कहता है, ये मेरा डेटा साइंस कहता है। डेटा साइंस वर्ड सुना है कभी, मार्केट की स्टडी करना, स्टैटिस्टिक्स की स्टडी करना और ये बताना कि ट्रेंड क्या जा रहा है। तो मेरा ये अनुभव कहता है, मेरा सबका अनुभव नहीं बता रहा, मेरा अनुभव कहता है कि बच्चे के फेल होने के 2 वजह हैं, और 2019 और 2018 के बाद से तो इसलिए ये वजह बढ़ती जा रही है बिकॉज आपको रिकॉर्डेड वीडियोज मिल जाती हैं। 2018 से पहले लाइव क्लासेस का सिस्टम नहीं था, पेंडे क्लासेस हुआ करती थी, तो बच्चे ने पेंडे क्लास परचेज की, कल देख लूंगा, नहीं देखी, फिर एग्जाम से पहले यूट्यूब मैराथन क्लास देख ली किसी भी फैकल्टी की। मार्केट में एक टीचर तो पढ़ाता नहीं है यूट्यूब मैराथन, हर मार्केट का हर टीचर अपने प्रमोशन के लिए यूट्यूब मैराथन पढ़ा रहे हैं, तो आपने किसी भी एक यूट्यूब मैराथन को देख लिया और आपको विश्वास हो गया कि आपके 100 आ जाएंगे और पेपर में मार्क्स वही आते हैं 40, बिकॉज आपने ढंग से तमीज से पढ़ाई की नहीं। मेरे साथ भी यही होगा आपके साथ, आप आज क्लास में सारे बच्चे बैठे, 25 क्लास बाद जब तक 40 लेक्चर ना SM पूरी या जो भी मैं पढ़ाऊंगा पहले वो पूरी शिद्दत के साथ पढ़ोगे और एंड तक आते आते आपको लगेगा सिलेबस बहुत ही ज्यादा है, ये हो नहीं रहा है, तो आप आना बंद कर दोगे। मैं आपसे पूछूंगा क्यों नहीं आ रहे, आप बोलो सर आने जाने में ना टाइम वेस्ट होता है, आज नहीं हो रहा बट 25 क्लास बाद होगा, आने जाने में टाइम वेस्ट होता है और आप जो पढ़ा रहे हो इसका रिकॉर्डेड वर्जन तो हमें मिल ही रहा है, हम घर में देख लेंगे, और वो देखना वाला पार्ट ना कभी नहीं होता। आप ऑलरेडी इकोनॉमिक्स की रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो जो बच्चे यहाँ पे FM पढ़ रहे हैं, तो आपको वो भी देखना है, फिर आप वहाँ पे इकोनॉमिक्स सिर्फ 40 क्लास की है और यहाँ 40 क्लास में पूरा सिलेबस है, ठीक है। तो आप गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपसे नहीं हो पाएगा, तो आपसे मेरे को पहली चीज़ जो चाहिए वो चाहिए रेगुलरिटी, यानी कि क्लास देखो फेस टू फेस का कुछ फ़ायदा है, उसका फ़ायदा यही है कि रेगुलरिटी है। क्लास में मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 2.5 घंटे में बक 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 करूंगा, आपको 2.5 घंटे एग्जैक्टली समझ आएगा, बिकॉज मैं भी आपकी जगह बैठ के देख चुका हूँ, जब मैं उस पार बैठता था, जब मैं एज अ स्टूडेंट सुनता था अपने टीचर्स को, तो मेरा दिमाग भी कई जगहों पे जाता है कि इस आज के बाद घर जाके क्या करूंगा, या क्लास में मेरा क्रश है, या ये टीचर तो बहुत ही बेकार पढ़ा रहा है, ये फैक्चुअल बातें,
ये आपके दिमाग में आएंगी, और ढाई घंटे में से निचोड़ के देखा जाए तो एक घंटे की बात समझ आएगी। दूसरी बात, ये सब्जेक्ट ऐसा क्यों है, बिकॉज यहाँ पे आपके हाथ नहीं चल रहे। अभी क्लास में बैठा हुआ 60% बच्चा ऐसे बैठा, मतलब ऐसे बैठने में कोई बुराई नहीं है, बुराई ये है कि आपको पता है कि कुछ लिखना नहीं है और आपकी साइड से कोई एफर्ट नहीं आना। सारा एफर्ट किस में आएगा, सुनना है, और जो स्लाइड दिख रही होगी उसे पढ़ना होगा तो थोड़ा आंखें और खुली होंगी। लेकिन अकाउंट्स, एफएम, कॉस्टिंग, टैक्स में क्या होगा, आपका मन भी नहीं है ना पढ़ने का, आपके हाथ चल रहे होंगे, समझो या नहीं। यहाँ कुछ नहीं चल रहा होगा, ना हाथ ना आंखें, और कुछ टाइम बाद कान भी बंद हो जाएंगे, मतलब सुनना बंद कर दोगे, बिकॉज आपको ये सब्जेक्ट बोरिंग लगेगा। बोरिंग दो वजह से लगेगा। वजह नंबर एक, ऑलरेडी आई से दे चुका है, आई से कह रहे हैं कि अगले अटेम्प्ट में शायद हम अगले अटेम्प्ट में EISE हटा दें, यानी आई से को ही पता है कि ये सब्जेक्ट बच्चे को ना अट्रैक्ट नहीं कर पाता। मैंने अभी आपको एक छोटी सी बात बोली, EISSM की कोई डिग्री नहीं होती। ऑडिट कौन बेस्ट कर सकता है, सीए। क्यों, एक्सपर्टीज तो कहीं भी, एक्सपर्टीज तो यूट्यूब से भी मिल जाती है आपको, आईसे की साइड से तमगा मिलता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके नाम के आगे चिपक जाता है, और फिर कंपनीज एक 2013 कहता है कि अगर ऑडिट करेगा ना तो वही करेगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेंबर है। अगर कंपनीज एक्ट ने काट दिया, सीए काटो, आज से बीकॉम वाला भी करेगा, तो आपकी डिग्री की औकात क्या है, कुछ भी नहीं, समझो। एक्सपर्टीज तो कहां से जा सकती है, यूट्यूब से भी, तो नॉलेज लेने का कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं। प्रॉब्लम ये कि हम जो एग्जाम के लिए पढ़, एग्जाम ओरिएंटेड मार्क्स ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। अगर आपको लाना है, पहली चीज दिमाग में बैठा दो, रेगुलर रहना है। दूसरी चीज, अगर आप क्लास में आएंगे तो मैं आपको एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ढाई घंटे में से एक घंटा तो ऐसा होगा ही होगा जहाँ पे आपको रस आएगा, और बाकी का डेढ़ घंटा ऐसा होगा जहाँ पे आपको अंदर से रस लाना पड़ेगा। मतलब मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ और आप बोलोगे क्या पढ़ा रहा है, ये तो आता है, या ये क्या पढ़ा रहा है, ये तो नहीं आ रहा। ये जेन्युइन सी बात है, बिकॉज दिन में आप ऑलरेडी 3 घंटे FM, फिर 3 घंटे अकाउंट्स, फिर 3 घंटे EISSM पढ़ने के लिए, एक इंसान की मानसिक संतुलन, मानसिकता एक लेवल होता है उसका समझने का, वो एक टाइम के बाद समझना क्या कर देता है। तो एक तो क्लास में रेगुलर आना है, दूसरा कोशिश करनी है आप अटेंटिव रहें, मतलब मैं जो बोलूं आप सुने, जैसे इसने अभी सुनना बंद कर दिया, ये अभी मैसेज कर दिया आज की क्लास बोरिंग है, कल से नहीं आऊंगी, ठीक है। तो आपको ना थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा, वरना सर के ऊपर से चीजें जाएंगी। फिर आप बैच खत्म होने के बाद आप मुझे क्वेश्चन पिंग पोंग करोगे, बोलोगे सर ये था, मैंने कहा क्लास में पढ़ाया था, मैं बहुत एरोगेंट हूँ, आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन है, मैंने कहा क्लास में पढ़ाया था, आपने बोला सर वो भूल गई, मैंने कहा मैं भी भूल गया। अब एग्जाम से एक दिन पहले पूछना, बिकॉज अब फिर बताऊंगा तो फिर भूल जाओगे, और आपको मेरा ये रिप्लाई, क्या रिप्लाई किया मैंने, एक दिन पहले बताऊंगा फिर बताऊंगा फिर भूल जाएगी, तो कब पूछना, मेरा ये रिप्लाई आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप बोलोगे कितनी बदतमीजी वाली बात है, और मुझे आपका ये रिप्लाई अच्छा नहीं लग रहा कि क्लास में जब पढ़ाया था तो तब क्यों भूल गए, या क्लास में अटेंटिव क्यों नहीं थे। तो मेरा रिप्लाई, तो मेरा आपसे सुझाव ये है, मेरा आपको सजेशन कि जो भी पढ़ाएं थोड़ा ध्यान से पढ़ना, हालांकि ध्यान से पढ़ने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉर्ट आउट करेंगे। अगर आपने उन क्वेश्चन, जैसे अभी मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, टॉपिक का नाम क्या है, दिख रहा है सबको, दिख रहा है क्या लिखा है, हेडिंग एनसॉफ अंकल के प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स पकड़ेंगे, यानी SM पूरा का पूरा किस पे बेस्ड है, ऑथर पे, एनसॉफ अंकल बदल गए, यहाँ पे क्या है, ऑथर। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा एनसॉफ के बेसिस पे आंसर दीजिए, तो आपका आंसर क्या होगा, जो हम एनसॉफ में पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ मुझे एज पर आंसर किसके दीजिए, ग्रोथ स्ट्रेटेजी, तो आपका आंसर क्या बदल सकता है, द आंसर इज यस, बिकॉज ग्रोथ के बारे में बताने वाले अंकल कोई और है, और ऑथर बदला तो आंसर बदल जाएगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, SM में, बिकॉज SM की पूरी थ्योरी किस पे डिपेंड करती है, ऑथरों पे, ठीक। पढ़ना शुरू करेंगे, हमें एक छोटी सी बात पढ़नी है सर, दो टाइप के प्रोडक्ट हो सकते हैं, या तो एग्जिस्टिंग हो सकते हैं, या फिर मार्केट कैसी हो सकती है, एग्जिस्टिंग या नई, नई मार्केट से आप क्या समझते हैं, नई मार्केट से आप क्या समझते हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट से क्या समझते हैं,
नहीं, ठीक है, एफर्ट अच्छा है बट नहीं, एग्जैक्ट नॉट। हाँ लेकिन हम न्यू दूसरी मार्केट में जान तो सकते हैं क्या इस टाइम पे। हाँ, अभी आ रहा हूँ, बस आप पे आ रहा हूँ मैं, एक छोटी सा। क्या इस टाइम पे ई पेमेंट करना, आज के टाइम पे, आज के टाइम पे ई पेमेंट करना, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, कार्ड सिस्टम, क्या ये एग्जिस्टिंग मार्केट है? क्या इसकी मार्केट एग्जिस्ट करती है? क्या यहाँ पे अच्छे खासे कंपेटिटर्स अब हैं या ये नई मार्केट है? लेकिन आज से कुछ साल पहले 2008 में कोई घुसता तो उसके लिए कैसी मार्केट थी? अच्छा, कोई भी चीज नई है क्या वो अच्छी भी हो सकती है और बेकार भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है? और अच्छा, आपको ऐसा लगता होगा पेटीएम का बहुत अच्छा खासा मार्केट शेयर है। सबसे पहले कौन आया था वॉलेट लेके कि आप फोन टू फोन पैसा ट्रांसफर कर सकते हो? पेटीएम। तो पेटीएम को हम कह सकते हैं फर्स्ट मूवर, सबसे पहले काम किया है। लेकिन आज के टाइम पे सबसे ज्यादा मार्केट फोन पे का है। अगर आप गूगल पे थोड़ा सर्च मारेंगे ना तो आपको पता चलेगा मार्केट शेयर, क्या बोल रहा हूँ मैं वर्ड, मार्केट में अगर 100 रुपये लोग ट्रांसफर करते हैं तो 100 में से करीब 42% लोग फोन पे के थ्रू पैसा ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मार्केट का फर्स्ट मूवर होगा वो मार्केट में टिका रहेगा। फर्स्ट मूवर अलग है और स्ट्रेटजी को ढंग से इंप्लीमेंट करना एक अलग कॉन्सेप्ट है। खैर वापिस आएंगे तो हम एग्जिस्टिंग मार्केट का मतलब क्या है, जिस मार्केट में आप ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हो, जिस मार्केट के बारे में आपको पता है, जिस मार्केट में ऑलरेडी लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन न्यू मार्केट से हमारा क्या मतलब है, अभी उस मार्केट में कम प्लेयर हैं, अभी उस मार्केट में कोई डील नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपने धंधा अच्छा किया तो वो मार्केट बन सकती है, यानी कोई अगर आपको प्रॉफिट करता हुआ देख, प्रॉफिट कमाता हुआ देखेगा ना तो वो भी उस मार्केट में कूदेगा और फिर उस मार्केट में भी क्या हो जाएंगे, राइवलरी बढ़ जाएंगे, कंपेटिटर्स बढ़ जाएंगे और फिर वो मार्केट कुछ टाइम बाद दोबारा क्या हो जाएगी, यानी एंड्स ऑफ मैट्रिक्स। जिंदगी में कंपनी को सिर्फ एक बार करनी है या हर 6-6 महीने, हर 1-1 साल बाद करनी पड़ेगी? बिकॉज हर साल मार्केट क्या हो सकती है, एग्जिस्टिंग खत्म हो सकती है, न्यू एग्जिस्टिंग बन सकती है और फिर से कोई न्यू मार्केट आ सकती है। आई बात समझ? मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, प्लीज आप मुझे रिलेट करना। आज से करीब 25 साल पहले एक बॉनवीटा आता था, वो कहता था बच्चा बॉनवीटा पी और अपनी हाइट हाइट बढ़ा। कंपेटिटर में बूस्ट आया, कंपेटिटर में हॉर्लिक्स आया, उन्होंने भी यही बोला बच्चे दूध में मिलाओ क्या, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, बॉनवीटा, बूस्ट और आपकी ग्रोथ होगी। वो कैसा प्रोडक्ट हो गया, कुछ टाइम बाद बच्चों ने दूध में डाल के वो पीना शुरू कर दिया। फिर उसी कंपनी को नजर आया यार सिर्फ बच्चे क्यों पी रहे हैं, 3 टाइप के कस्टमर है हमारे पास, एक मेल है, एक फीमेल है और एक बच्चा है। बच्चा तो पी रहा है लेकिन बच्चा सारी पॉपुलेशन थोड़ी ना, पॉपुलेशन में तो अभी फीमेल ही बची, मेल भी बचा। तो फिर उन्होंने फीमेल के लिए बनाया फीमेल हॉर्लिक्स। उस जमाने के हिसाब से, उस जमाने के हिसाब से आज से 15 साल पहले फीमेल हॉर्लिक्स एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था, एक एग्जिस्टिंग मार्केट था या न्यू मार्केट था? हम उस मार्केट में जब कूदेंगे तो क्या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को लेके जा सकते हैं? मुझे अमेरिका में जाना है, मैं अमेरिका में यही फोन जाके बेच सकता हूँ जो फोन मैं ऑलरेडी इंडिया में बेच रहा हूँ? समझो, दुबई में सीए कोचिंग्स नहीं चलती, यानी दुबई में सीए कॉम्पिटिशन, क्या दुबई में जाके प्रमोट कर सकता हूं कि आप आईसीआई की सीए डिग्री हासिल करो? मेरी बात समझना, क्या दुबई में सीए कोचिंग्स होती हैं? बट क्या मैं दुबई में जाके एक्स्ट्रा प्रमोशन करके, क्या जैसे इंडिया में बहुत लोग सीपीए करने लगे बट सीपीए की औकात कहां पे है? इंग्लैंड जाके, कनाडा जाके बोलो हाँ, ऐसी कि हम आईसीआई को प्रमोट करने के लिए दुबई जा सकते हैं? नहीं जा सकते, थोड़ा आईसीआई को ही पटाऊंगा, तेरे कस्टमर कहाँ के बनवाऊंगा? तुम जरा दुबई में जाके 2-3 कॉन्फ्रेंस रखो, वहां के लोगों को बताओ कि सीए की डिग्री की औकात क्या है। सीए जब आईसीए की डिग्री हासिल करेगा तो दुबई में आके दुबई में जीएसटी की प्रैक्टिस करेगा, दुबई में आके वैट, अभी खैर दुबई में तो वैट लगता है, वैट की प्रैक्टिस करेगा, दुबई में लोगों को टैक्स रिटर्न भरनी सिखाएगा। वो कह रहे हैं हमारे टैक्स रिटर्न का प्रावधान ही नहीं है, जो भी प्रावधान है उसमें हेल्प करेगा सीए, हम तुम्हारे लॉ के हिसाब से कुछ बना देंगे नया लॉ। तो अगर दुबई का आईसीए के साथ थोड़ा सा टाइप हो गया तो क्या वहां भी सीए प्रमोट हो जाएगा? लेकिन अभी मार्केट नहीं है, कोई सोचेगा उस मार्केट में जाएगा, जाके पढ़ाऊंगा क्या?
पढ़ाऊंगा तो यही ना जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इसी बुक को लेके क्या कहीं बाहर मार्केट में जा सकता हूँ? तो मेरे लिए वो मार्केट कैसी है लेकिन प्रोडक्ट मेरा कैसा है एग्जिस्टिंग। आई बात समझ? चाइनीज लोगों ने किया क्या? हम एग्जैक्टली चाइनीज प्रोडक्ट तो नहीं खाते, हम इंडिया वाला चाइनीज खाते हैं। अरे हाँ, डिमसम हम खाते हैं, मोमोज हम खाते हैं, ठीक है, वो है चाइना का नाम, लेकिन वो हम चाइनीज नहीं खा रहे, हम उसका इंडियन वर्जन खा रहे हैं। तो उन्होंने क्या इंडिया में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ? यह चाइना वालों के हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने ही प्रोडक्ट को, उनका प्रोडक्ट क्या था? डम्पलिंग्स, मोमोज, अरे बोलो हाँ, लेकिन वो किस मार्केट में कूदे? चाइना से बाहर कूदे, इंडियन मार्केट में कूदे, और अब वो चाइना मार्केट के साथ साथ कहाँ पैसा कमा रहे हैं? लेकिन क्या उनका प्रोडक्ट चेंज हुआ है या प्रोडक्ट सेम है? अरे हम इंडियन वर्जन खा रहे हैं, बट उनके हिसाब से देखो क्या उन्होंने अपना प्रोडक्ट क्या दुनिया में फेमस कर दिया? प्रोडक्ट सेम था। हाँ, ऐसे ही कई बार हम जब दूसरी मार्केट में जाते हैं तो नए प्रोडक्ट के साथ भी जा सकते हैं। मैं किसी नई मार्केट में जाऊं और वहां जाके कुछ नया ही बेचूं, मतलब मैं वहां जाके शायद ESSM ना पढ़ाऊं। सो फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक जगह से ऑफर है, IIMS कॉलेज से ऑफर है, IIMT कॉलेज से ऑफर है, क्या आप हमारे यहाँ पढ़ाओगे? मैंने IGP का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, IGP कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आप जो सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाते हैं, जो कोर्सेज यहाँ पढ़ाए जाते हैं, बेशक आप नहीं पढ़ाते, अब वो सब्जेक्ट वो कोर्सेज किसी और जगह नहीं पढ़ाते। तो उन्होंने बोला कि हम हमारे MBA के बच्चों को पढ़ा दो। मैंने IGP का क्या देखा? कॉन्ट्रैक्ट, उसमें लिखा था CA CS CMA 11th 12th, इन सब्जेक्ट्स में IGP डील करता है। क्या नहीं लिखा? मैंने उनसे पूछा MBA में पढ़ाना क्या, कहते आपको MBA पढ़ाना है इंडस्ट्रियल लॉ। अब इंडस्ट्रियल लॉ ना CA में है, ना CS में है, ना CMA में है, ना 11th में, ना 12th में है। क्या मैं IIMS या IIMT ज्वाइन कर सकता हूँ? अरे कुछ तो बोलो, हाँ है ना, अगर कर सकता हूँ, क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ? सब्जेक्ट सेम है ना मेरे लिए, क्या मुझे नई बुक बनानी पड़ेगी? क्या मुझे कुछ नई नए ऑथर्स पढ़ने पड़ेंगे? मार्केट कैसी है? क्या मैं CA मार्केट के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ या MBA मार्केट के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ? तो वहां मेरा प्रोडक्ट भी चेंज हो गया और क्या चेंज हो गया? मार्केट भी चेंज हो गई। इसका मतलब मैंने क्या किया? आपको बस अभी कॉन्सेप्ट समझने हैं। अगर मैं एग्जिस्टिंग मार्केट में रह के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बेच रहा हूं, तो आज के बाद उस वर्ड को यूज करना मार्केट पेनिट्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? मार्केट कंपनी आज के ना न्यूज सुनना, वहां पे बोलेगा हम अपनी कंपनी में मार्केट पेनिट्रेट करेंगे। इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं? वो एग्जिस्टिंग मार्केट में क्या बेच रहे हैं? अब इसके ऊपर कोई भी एग्जाम्पल बना लो, कोई भी एग्जाम्पल। एक कंपनी थी डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क बनाती थी चॉकलेट, शुरुआत से अभी भी चॉकलेट ही बनाती है। डेयरी मिल्क ने बोला कि आप चॉकलेट खाइए, लेकिन जिस जमाने में वो लॉन्च हुई थी उस जमाने में डेयरी चॉकलेट जैसे कोई एक नया प्रोडक्ट था, और एडवर्टीजमेंट भी जो चलाए ना वो लवर्स के लिए चलाए। तो 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे, ठीक है, छोटे मोटे गिफ्ट में चॉकलेट जाने लगी। सेल हुई या बिल्कुल नहीं हुई? जैसी सेल हुई लालच बढ़ा और सेल करनी। अब क्या करें? उन्होंने नया एडवर्टीजमेंट चलाया। क्या रक्षाबंधन है? पैसा क्यों देना? बहन को दो चॉकलेट। अब गर्लफ्रेंड के साथ साथ चॉकलेट किसके पास जा रही है? यानी साल में दो बार यूज हुई, मतलब एक बार यूज हुई या दो बार हो गई? फिर दिवाली का ऐड आया, इस दिवाली पे कब तक दोगे मीठा? इस दिवाली दीजिए कैडबरी। अब उसकी सेल और बढ़ी, अब लालच और बढ़ा, मुझे और सेल चाहिए, और इनकम कमानी है। क्या करें? नए प्रोडक्ट में नहीं, प्रोडक्ट नया मत को दो, उसी प्रोडक्ट को उसी कस्टमर को बेचो। शाम को क्या है? लौकी, मीठे में कैडबरी, ओके। रात को खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, क्या कस्टमर चेंज करें? वही कस्टमर है, वही मार्केट है, लेकिन हमारी सेल डे बाय डे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्यों? बिकॉज हम मार्केट में दबदबा बना रहे हैं, और आज के टाइम में ये हालात हैं कि आपको बीकानेर वाला हल्दीराम के अंदर भी एक छोटा सा कैडबरी का डब्बा नजर आएगा। मतलब मिठाई वालों को अपनी मिठाई पे भरोसा नहीं है, उन्हें भी पता है कि हमारे पास कस्टमर आके क्या मांगेगा कि भैया कैडबरी का एक डब्बा दे दो। ये वर्चस्व है, इसे बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेट करना। तो मार्केट पेनिट्रेशन का सिर्फ इतना सा मतलब जाना, इतनी सब बकवास सुनने के बाद इतनी सी बात जानी, मार्केट पेनिट्रेट का मतलब है हम किसी नए प्रोडक्ट में नहीं कूदेंगे, हम किसी नए मार्केट में नहीं जाएंगे, हमें अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है, हमें अपने मार्केट में भरोसा है, हम यहीं रह के अपनी सेल को इंक्रीज करेंगे।
उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज होती है वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बेस्ड को हम क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज मार्केट पेनिट्रेशन, क्या लिख के आओगे अभी तक की नॉलेज के हिसाब से, व्हाट इज मार्केट पेनिट्रेशन, पढ़ो नीचे लिखा मार्केट पेनिट्रेशन रेफर्स टू व्हाट, क्या ग्रोथ हो रही है, एक दिन की सेल, दो दिन की सेल, 365 दिन की सेल, रेफर्स टू ग्रोथ स्ट्रेटेजी, वेयर द बिजनेस फोकस कर रहा है किस पे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू, मेरा मन तो नहीं कर रहा आपका दिमाग खराब करने का, बिकॉज अगर मैंने आपका दिमाग खराब किया तो आपको सब्जेक्ट समझ नहीं आएगा, सब्जेक्ट समझ नहीं आएगा तो टीचर खराब पढ़ाता है और आप पैसे नहीं दोगे, बट मेरा करने का मन है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्यूचर में कितनी कंफ्यूजन होगी, अभी समझ लो। यहां पे आपने एक वर्ड पढ़ा क्या, पे नीचे आए दिखाऊं यहां क्या लिखा है, इसलिए आपका एग्जाम में दिमाग खराब होगा, लेकिन आपको दिमाग खराब करना नहीं है, आपको किस पे टिके रहना है, नहीं है समझ, क्या क्या तो दिखा, मैंने क्या दिखाया, जब हम मार्केट पेनिट्रेशन वर्ड पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर क्या लिखा है, लिखा है हाँ, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा कि मुझे ग्रोथ स्ट्रेटजी के हिसाब से आंसर करो तो आपको आंसर पे फोकस नहीं करना, ग्रोथ स्ट्रेटजी एक अलग टॉपिक है, वहां से पढ़ना है, आपको आंसर कब एनसॉफ्ट के अकॉर्डिंगली करना है, जब एनसॉफ्ट से आएगा, आई बात समझ, मेरे हिसाब से आप पहला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर करो, आपको पता ही है किसके अकॉर्डिंग देना आंसर, एनसॉफ्ट के अकॉर्डिंग देना है, प्लीज मुझे आंसर करो पहला पॉइंट, टूथपेस्ट है, दिन में कितनी बार करता है एक इंसान, कोई कहता है दो बार, आप करते हो वेरी गुड, बच्चा एक बार करता है, हमें सेल बढ़ानी है क्या करें, कीटाणु वापस आ जाते हैं 12 घंटे बाद, बेवकूफ बनाना है, हमें सेल बढ़ाने से मतलब है, कीटाणु वापस आ जाते हैं तो दिन में क्या करो दो बार डिशुम डिशुम, आगे सेल बढ़ानी होगी बताओ क्या करेंगे, कीटाणु 12 घंटे बाद नहीं 8 घंटे बाद आ जाते हैं, या फिर लंच के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद, डिनर के बाद, हर खाने के मील के बाद, समझो, और अगर वो इसके साथ कोलगेट 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 के साथ वो ला रहे हैं कोलगेट माउथ फ्रेशनर, वो बताओ क्या वही प्रोडक्ट है, कुछ नया है, लेकिन क्या मार्केट वही है, दांतों वालों के लिए, माउथ फ्रेश करने के लिए, माउथ क्लीन करने के लिए, क्या मार्केट वही है, अगर कोलगेट लाता है, कोलगेट लाता है कोलगेट वॉशिंग पाउडर, तो वहां मार्केट भी अलग है और प्रोडक्ट भी अलग है, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्सिफिकेशन, वेरी गुड, अभी तक आपने सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखा क्या, व्हाट इज मार्केट पेनिट्रेशन, एक मार्क का लिखने को आएगा तो क्या, बिकॉज चार मार्क का क्वेश्चन आएगा फुल फ्लेज, तो आपको एक मार्क किसमें मिल गया, मार्केट पेनिट्रेशन में, क्या लिख के आओगे, आपको ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पता है तो क्या लिख के आओगे, मार्केट पेनिट्रेशन रेफर्स टू ग्रोथ स्ट्रेटेजी, वेयर कंपनी कहां फोकस कर रही है, एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बेच के, अब इसका थोड़ा वाइड वर्जन देखना हो तो ये है आपका टॉपिक, टॉपिक का नाम है मार्केट पेनिट्रेशन, ये वो कॉन्सेप्ट है, ये वो थियरी है जिसके बेसिस पे आई से क्वेश्चंस बना सकता है, जैसे कि अभी आपको एक छोटा सा पार्ट दिखाया था क्या, जनरली जब आप मार्केट पेनिट्रेट कर रहे होते हो तो आपको एग्रेसिव प्रमोशनल कैंपेन चलाना होता है, दिन में आप सबको एक एग्जांपल याद हो गई, क्या आपके कोलगेट में नमक है, सुना ही ये डायलॉग, क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है, ये सुना है डायलॉग, ये कैसे आपको पता है, आप सब लोग 24 घंटे टीवी नहीं देखते लेकिन फिर भी आपको एडवर्टीजमेंट का डायलॉग पता है, कैसे, इसी को बोलते हैं एग्रेसिव मार्केटिंग, यानी हर 5 मिनट में चलाओ, एक किसी बंदे ने 5 मिनट पहले टीवी खोला, किसने 5 मिनट बाद खोला, किसने और 5 मिनट, कोई इंसान कभी भी टीवी खोल ले ये एडवर्टीजमेंट उसको दिख जाना चाहिए, और दिख गया दिमाग में छप गया, छप गया तो बेचने खरीदने में आसानी होगी, मेरी बात समझो नहीं समझो, आप लोगों ने आज यहां बैठ के पढ़ रहे हो, कुछ बच्चे अभी मुझे जज करेंगे, सब डेमो पे ही हैं, डेमो वाले में तुम जज करने आए हो, तुम जज नहीं आए हो, मुझे ये पढ़ाता है सही नहीं पढ़ाता, आप घर जाके YouTube पे टाइप करोगे ऋषभ गौर और वहां पे मेरे लेक्चर्स बहुत कम दिखाई दे रहे होंगे इन कंपैरिजन टू माय कंपेटिटर,
फिर आप बोलोगे सर अभी आपने बोला आप 2009 से पढ़ा रहे हो, 13 साल में तो वारे न्यारे हो जाने चाहिए थे, तो आप मुझे इस चीज से जज करोगे मैं यूट्यूब पे कितना हूँ। चलो यूट्यूब पे को मेरी कोई वीडियो भी होगी, आप बोलोगे व्यूज कितने, 8,000 भी नहीं है, ये टीचर वेला है या इस टीचर में दम नहीं है, तो आपने मुझे कैसे जज किया। तो इसका मतलब हमने क्या कर, क्या खराब कर रखा है हमने, हमारा एग्रेसिव है नहीं है। एग्रेसिव होता तो वीडियो कितनी डालते हम, डेली की 2। अगर आप यूट्यूब पे कंटेंट देखो और मैंने हर एक टॉपिक पे क्या डाल रखा हो, बच्चा टाइप करे हैंड्स ऑफ ऋषभ गुहा की वीडियो, बच्चा टाइप करे बीसीजी मैट्रिक ऋषभ गुहा की वीडियो, बच्चा टाइप करे कॉन्स्टिट्यूशन ऋषभ गुहा की वीडियो, तो अगर मैंने करीब 150-250 वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पे, तो क्या ऑलरेडी प्रेजेंस थोड़ी बढ़ेगी, प्रेजेंस बढ़ेगी तो बच्चा एक वीडियो क्या दूसरी वीडियो दूसरी क्या तीसरी, और इस तरीके से व्यूज बढ़ने शुरू होंगे। उसे हम क्या बोलते हैं, मार्केट कैंपेन क्या कर रहे हैं, एग्रेसिव। और अगर आपने महीने में एक डाली तो यूट्यूब मैराथन लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका, तो आप मार्केट की वीडियोस में कम दिखोगे, कम दिखोगे तो कस्टमर आपको जानेगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा मार्केट पेनिट्रेट करने के लिए, कई बार आपको एग्रेसिव मार्केटिंग करने के लिए कई बार आपको ज्यादा मोर सेल टू प्रेजेंट कस्टमर विदाउट चेंजिंग प्रोडक्ट। इसके अलावा कई बार आपको जब प्रोडक्ट प्रमोशन कैंपेन कर रहे होंगे तो आपको मार्केट में कुछ नए फीचर्स के बारे में बताना है, बट जैसे मैंने बोला नए फीचर्स के बारे में बताना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोडक्ट चेंज कर रहे हो। एग्जाम्पल है वैसलीन। वैसलीन का पहला एडवर्टीजमेंट आया, अगर आपकी एड़ियां फट रही हैं वैसलीन लगाइए कोमल हो जाएंगी, प्रोडक्ट बिका। किसी के होठ फटे वैसलीन ले लो, नहीं ये तो एड़ियों के लिए है, तो वैसलीन ने अपना एडवर्टीजमेंट चेंज किया, फटी एड़ियों के लिए, फटे होठों के लिए। आप ये मत सोचना कि मार्केट ने आ गया, मार्केट कौन सा है, सेम ही है, मार्केट चेंज नहीं हो रहा यहाँ पे, हाउस होल्ड प्रोडक्ट ही है वो। फिर थर्ड, किसी की सर्दी में त्वचा रूखी हो गई तो वैसलीन का फिर नया एडवर्टीजमेंट आया कि एड़ियों के लिए, होठों के लिए और शरीर को मॉइस्चराइज करने के लिए आप लगा सकते हैं वैसलीन। तो जो वैसलीन किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज हो रही थी, अब वो वैसलीन कितने पर्पस के लिए यूज हो रही है। तो अगर आप दिन में एड़ियों पे भी लगाओगे तो आपका कंजम्पशन कम होगा ज्यादा होगा, तो आपका राशन में हर महीने वैसलीन आएगा या 2 महीने 3 महीनों में एक बार आएगा, सेल बढ़ गई। ये भी क्या है, मार्केट पेनिट्रेशन। और हमने यहाँ क्या किया, हमने प्रोडक्ट के नए फीचर्स बताए, क्या बताए, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे। मैं बेचता था डाबर हनी पी लो, कोई नहीं पीता। फिर मैंने एडवर्टीजमेंट चलाया डाबर हनी पीजिए, इससे आप पतले हो सकते हैं, नींबू पानी में डाल के थोड़ी सेल बढ़ी। उसके बाद मैंने बोला डाबर हनी को एज अ ऑल्टरनेट यूज कीजिए एज अ जैम। डाबर हनी इज नॉट जैम, बट डाबर हनी इज अ सब्स्टिट्यूट, इज अ ऑल्टरनेट फॉर जैम। ब्रेड पे जैम लगाने की जगह क्या लगाओ, और हेल्दी खाना खाओ। फिर फीमेल्स को पकड़ा, आप फेस पैक यूज करती हैं, डाबर हनी लगाइए, ग्लो करेंगी, प्रोडक्ट बेचना है। अब डाबर हनी किसी के घर में 200 ग्राम आता था, 200 ml आता था, क्या उसकी सेल अब जल्दी जल्दी खत्म होगी, मतलब कंजम्पशन जल्दी जल्दी होगा। अब डाबर हनी हर महीने के राशन में आएगा, और जहां कभी एक बार 200 ml खरीद के कभी इंसान खरीदता ही नहीं था, तो सेल बढ़ी। क्या हमने प्रोडक्ट चेंज किया, वही डाबर हनी। क्या हमने मार्केट चेंज की, उसी घर में जा रहे हैं बट उसका कंजम्पशन बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है तो सेल बढ़ रही है। यानी डाबर हनी कंपनी क्या कर रही है, मार्केट को पेनिट्रेट कर रही है, क्या कर रही है। तो अगर कस्टमर को किसी प्रोडक्ट के बारे में नए नए यूसेज बता रहा हूं, तो क्या वो भी मार्केट पेनिट्रेशन में ही आएगा, द आंसर इज यस। इसी के बेसिस पे आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, ऊपर की हेडिंग को भूल जाना, भूल जाओ कि यहाँ पे ग्रोथ स्ट्रेटेजी लिखा है, भूल जाओ। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट पढ़ो, क्या लिखा है, एक कंपनी है क्या बनाती है, चॉकोमिक्स बनाती है, बोलो हाँ, वो उसके क्या बता रही है, मतलब क्या,
आप इस चॉकलेट को एज अ चॉकलेट सिरप भी यूज कर सकते हैं, आप इस चॉकलेट को आइसक्रीम पे भी लगा के खा सकते हैं, आप इस चॉकलेट से चॉकलेट शेक भी बना सकते हैं, आप इस चॉकलेट से केक भी बना सकते हैं। और ऐसा होने से होगा क्या, उसकी सेल बढ़ेगी? क्या हमने प्रोडक्ट चेंज किया? नहीं। बट क्या मार्केट चेंज की? नहीं। हम उसी मार्केट में उसी प्रोडक्ट के साथ अपनी सेल बढ़ा दें, इसका मतलब हमने एग्रेसिवली काम किया होगा। और दूसरा, हमने क्या बताए होंगे, उसी प्रोडक्ट के नए यूसेज, जिसकी वजह से उसकी सेल बढ़ी और ना हमें प्रोडक्ट चेंज करना पड़ा और ना हमें मार्केट चेंज करना पड़ा। तो क्या मार्केट पेनिट्रेशन से आपकी सेल बढ़ती है? द आंसर इज यस। लेकिन क्या यहाँ पे कोई रिस्क है? थोड़ा सोचो और बोलो, 2+2=4 दिमाग में करके मत बैठो, मुझे बोलो क्या मार्केट पेनिट्रेशन में कोई रिस्क है? क्या आप बात कर रहे हो? बहन ने चॉकलेट नहीं ली तो क्या गर्लफ्रेंड भी लेना बंद कर देगी? मार्केट पेनिट्रेशन में ना रिस्क नहीं है, अभी समझाता हूँ, रीजन देता हूँ, मैं जो भी बात बोलूंगा उसका रीजन दूंगा। मार्केट पेनिट्रेशन में रिस्क ना के बराबर है, या कह लो रिस्क है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा मार्केट एग्जिस्ट करता है, कोई नया मार्केट। मैं आपको आज बोलूं, मैं ना बेटा आपको इस बॉटल में हवा बेचूंगा, हवा, क्या आपको ऑक्सीजन चाहिए? मैं इस बॉटल में आपको हवा बेचूंगा, मतलब कुछ टाइम बाद बिकेगा, पानी का बबल बिका करेगा, मतलब पानी को बबल के तौर पर रखो और आपकी प्यास बुझ गई। ऐसे प्रोडक्टों पर काम चल रहा है, अभी आपको दिख नहीं रही, बट फ्यूचर ही है, अभी प्रेजेंट नहीं चल रहा। तो ऐसे प्रोडक्ट में रिस्क या लॉस दोनों हो सकता है। इंडिया में अगर पेड़ अच्छे खासे लग गए तो शायद इन बॉटलों की जरूरत ना पड़े, और इंडिया में और पेड़ कटे और पॉल्यूशन हुआ तो जरूरत पड़ेगी। तो जो फ्यूचर है, और फ्यूचर कहाँ है? जहां या तो मार्केट ले आओ या फिर प्रोडक्ट ले आओ। मैं आपको EISSM के साथ साथ आपको एडवांस अकाउंट पढ़ाना शुरू कर दूं। पढ़ाऊंगा क्यों? कस्टमर से एक बार पैसा ना आए, कस्टमर से दो सब्जेक्ट में पैसा है, 10,000 ESSM के लूंगा और 12,000 एडवांस अकाउंट्स के लूंगा। अब एक ही कस्टमर से कितना कमाऊंगा? 22,000। तो कई टीचर ऐसे होते हैं जो दो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो उनको एक सब्जेक्ट से क्या दूसरे सब्जेक्ट में फायदा होता है? जैसे मैं CA फाउंडेशन में लॉ पढ़ाता हूँ, तो क्या मुझे CA इंटर में ESSM पढ़ाने का फायदा होता है? मैं प्रमोशन कहाँ करके बैठा होता हूँ? इंटर में प्रमोशन करने की जरूरत नहीं, मतलब मुझे लगता है वो तो आ ही जाएगा, किसी को पटाना है तो कोई नया बच्चा हो, ठीक है। तो क्या नया प्रोडक्ट में घुसने से क्या आपका मार्केट बढ़ सकता है? बट क्या खराब भी हो सकता है? फाउंडेशन की लॉ तुम्हें पता है टुच्ची होती है, अब लगता है ना टुच्ची होती है ना, फाउंडेशन में डर लगता था, अब तो तुम्हें लगता होगा है क्या था वो हलवा, हम बढ़ा देंगे। अब उस बच्चे को वो इजी लगा, उस जमाने में वो इजी लगा, ऑफर एक्सेप्टेंस क्या होती है ब्ला ब्ला ब्ला। अब वो यहाँ पे आगे कह रहा है यार ESSM तो बहुत ही टफ है, और यहाँ को उसे टफ लगा, मुझसे लेटेस्टली क्या पढ़ा है वो, फाउंडेशन की लॉ या इंटर का ESSM, और यहाँ आके वो मुझसे रूठ गया, तो मार्केट में बाहर जाके क्या बोलेगा? ये सब बहुत बेकार पढ़ाता है, उससे फाउंडेशन भी मत पढ़ी हो। मैं अगर नए प्रोडक्ट में घुस रहा हूँ या नए मार्केट में घुस रहा हूँ तो एग्जिस्टिंग मार्केट का खराब हो जाने का डर है या नहीं? न्यूज में एग्जिस्टिंग तो यूज होगा ना, तो ग्लो के लिए क्या नहीं लगा रही? डाबर हनी, पर पतला होने के लिए तो डाबर हनी पिएगी ना, तो वहां हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर तो खरीद ही रहा है। हम कह रहे हैं न्यू यूजर से हमारी सेल बढ़ेगी, हम कह रहे हैं यहाँ पे हम नए प्रोडक्ट में घुस गए, नई मार्केट में घुस गए, रिस्क है या नहीं है? पहले मैं सिर्फ गाजियाबाद में पढ़ाता था, 2009 से लेके 2016 तक मैंने सिर्फ गाजियाबाद में पढ़ा है, मैं कभी गाजियाबाद की मार्केट से बाहर ही नहीं निकला। यानी कि मैंने 2009 से लेके 2016 तक गाजियाबाद में पढ़ा रहा हूँ 100-150 बच्चे, और 100-150 बच्चे मतलब समझ सकते हो मल्टीप्लाई बाय 10,000, फाउंडेशन भी इंटर भी, और मतलब मस्त चल रहा धंधा, 24-25 लाख आ रहे हैं साल के, खुश, मतलब एक मिडिल क्लास इंसान इसमें खुश हो जाता है, मैं खुश था। फिर मुझे लालच आ गया कि और सेल होनी चाहिए, और रुतबा होना चाहिए, बिकॉज 2016 में इंटरनेट ना फ्री हो गया था, पता है सर, मतलब जियो इज लाइक हर को, और 2016 के बाद कितने लोग यूट्यूबर बने, उससे पहले भी यूट्यूबर हुआ करते थे लेकिन कोई देखने वाला नहीं था, बिकॉज 1 GB पूरा महीना, और अब 1 GB 1.5 GB पूरा दिन, ठीक है। तो लोगों का व्यू बढ़ा,
तो 2016 में मार्केट बहुत ग्रैब हुई, यानी कोई बंदा अगर कोलकाता में पढ़ा है तो दिल्ली का बच्चा कोलकाता की टीचर की वीडियो देख सकता है यूट्यूब पे, क्यों? जी भी है, पहले नहीं देख सकता था, फेस टू फेस मार्केट की कब्जे में थी, ग्लोबल मार्केट कब्जे में नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलो दिल्ली जाया जाता है, आईजीपी के साथ टाइप करते हैं, और अगर मैंने आईजीपी के साथ टाइप किया तो प्रॉब्लम होने लगी, मेरा गाजियाबाद का बच्चा ही कुछ तो गाजियाबाद में पढ़ रहा है, कुछ आईजीपी में आके पढ़ रहा है, अब गाजियाबाद में सारा पैसा अपना अपना इंस्टीट्यूट एंड आईजीपी में आईजीपी के साथ कमीशन शेयरिंग, बोलो हाँ। मुझे अपने कस्टमर से नुकसान हो रहा था और मैं कस्टमर को ही गुमराह कर रहा था, तू गाजियाबाद पढ़ तू, और ये मुझे लेट हुआ। 2019 के मैंने दोबारा से उड़ान भरी और 2016 से लेकर 2019 तक मेरा यही कबाड़ा हुआ। तो कई बार आप जब नए मार्केट में कूदते हैं तो आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ कूदना चाहिए कि आपको कित मार्केट में कितना कस्टमर पटाना है। आप अगर नई मार्केट में जाए तो वहाँ की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, एग्जिस्टिंग मार्केट में जाए तो वहाँ की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, आपको इस पे काम करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो रिस्क है, तो रिस्क कहाँ कहाँ है प्लीज मुझे बताएंगे। यहाँ रिस्क है, यहाँ, क्योंकि यहाँ क्या आएगा, क्या यहाँ रिस्क है, क्योंकि यहाँ क्या आएगा, वही प्रोडक्ट लेकिन नए मार्केट में जा रहे हो, नहीं चला तो मैं आलू का पराठा लेके अमेरिका जा रहा हूं, नहीं चला तो समझो नहीं समझो, प्रोडक्ट इंडिया का है, इंडिया में बहुत चलता है मेरा आलू का पराठा, लेकिन उस पराठे को लेके नई मार्केट में चला गया, अमेरिकन मार्केट में चला गया, नहीं बिका तो रिस्क है। एंड सर यहां तो सबसे ज्यादा रिस्क है, क्यों? बिकॉज मार्केट को भी नहीं जानता और मैं डक बना रहा हूं अमेरिका जाके। इंडिया में तो ज्यादातर लोग डक खाते नहीं है, चिकन ज्यादा चलता है इंडिया में, नॉन वेज में डक इतना फेमस प्रोडक्ट नहीं है इंडिया में, बट अमेरिका में खा रहे हैं लोग डक। तो एक तो अमेरिका गया, वहाँ की मार्केट नहीं पता कि यहाँ के लोगों को क्या टेस्ट पसंद है, और वहां जाके भी कौन सा प्रोडक्ट बना रहा हूँ जिसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, कौन सा, तो सबसे ज्यादा रिस्की है। मैं एमबीए वाले बच्चों को जाके पढ़ा रहा हूँ इंडस्ट्रियल लॉ, आज तक कभी नहीं पढ़ाया, और जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उन बच्चों का टेस्ट भी नहीं पता कि उन्हें वो पढ़ना चाहते, जैसे तुम तो पढ़ने के लिए बैठे हो, तुम ट्यूशन पढ़ रहे हो, लेकिन एमबीए जो बच्चा बैठ के पढ़ रहा होता है वो पढ़ना नहीं चाहता, उसको मतलब है अटेंडेंस लग जाए, और पीछे बैठ के वो प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे होंगे या लफंडगरी कर रहे होंगे, उनको पढ़ना नहीं है। तो यहाँ पे आपको वहां पे पढ़ाना नहीं है, वहां पे क्या करना है, टाइम पास, और यहाँ टाइम पास करूंगा तो आप क्या बोलोगे, सर स्टिक टू द पॉइंट, सर अगला कॉन्सेप्ट पे मूव करना है। तो वहां पे मार्केट नहीं है, तो मार्केट नहीं में फायदा भी हो सकता है और नुकसान, क्यों, नहीं चला तो, एंड फायदा क्यों, चल गया तो। कोई भी चीज इंसान नई जगह मूव करता है तो चलने के लिए करता है। तो पहला प्रोडक्ट हो गया हमारा मार्केट पेनिट्रेशन, व्हाट इज मार्केट पेनिट्रेशन, फिर से एक लाइन के लिए, मार्केट पेनिट्रेशन क्या है, एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बेचे हैं, लेकिन इसमें क्या होगी, एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या इसमें रिस्क है? अब जो जो मैंने बातें बोली उन बातों को मैंने अंडरलाइन कर रखा है, और आप अभी पूरा का पूरा ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, पढ़ना शुरू करो। मार्केट पेनिट्रेशन रेफर्स टू दूसरा इंपॉर्टेंट वाइट, क्या लिख के आना है, मोर सेल्स टू विदाउट इन एनी मेजर वे, मेजर वे में प्रोडक्ट में कोई चेंजेस, टाइगर क्रीम बिस्किट, क्या चेंजेस आए, जो क्रीम वाला बंदा है वो, तो क्रीम वाला प्रोडक्ट, क्रीम वाला टाइगर बिस्किट क्या होगा मुझे बताना, एक नया प्रोडक्ट है बट कस्टमर तो बिस्किट खाने वाला ही है, बोलो हाँ। मैं लाया न्यू वेन्यू, पहले एक नॉर्मल वेन्यू थी, अब मैं लाया न्यू वेन्यू, पहले एक i20 थी, अब मैं लाया न्यू i20, व्हाट इज न्यू i20, सेम प्रोडक्ट, पहले चलती थी मारुति 800, बहुत फेमस गाड़ी थी, लेकिन वो टाटा नैनो की तरह हो गई, मतलब मारुति थोड़ी तो अच्छी गाड़ी खरीद लेता, मतलब मारुति नैनो बुरी गाड़ी नहीं है, लेकिन कंपेटिटर उसकी बेइज्जती करने पर लगे पड़े, टाटा नैनो बुरी थी लेकिन उसकी मार्केटिंग गलत हो गई, क्या बोला गया कि गरीबों की गाड़ी है, गरीबों का रथ है। अगर आपके पास चार गाड़ी है और पांचवी गाड़ी टाटा नैनो है, नो प्रॉब्लम, अगर आपके पास एक गाड़ी है और वही टाटा नैनो है, लेकिन प्रमोशन क्या कर दिया, कंपेटिटर ने क्या बोल दिया कि भाई सबसे सस्ती गाड़ी है, गरीबों के लिए बनाई गई है, और जहां आपने गरीब वर्ड बोल दिया ना, एक मिडिल क्लास की, मिडिल क्लास गाड़ी क्यों ले रहा था, स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, तुमने क्या बोला, क्यों कह रहा कोई, इसलिए वो गाड़ी वापस लेनी पड़ी, उस कॉन्टेक्ट को खत्म करना पड़ा। तो अगर आप 800 ले रहे हो
तो ना उनको समझ आ गया 800 की बेइज्जती कर दी गई है, तो मारुति ने बस नाम चेंज किया, ऑल्टो K10 800 गाड़ी वही है, पीछे से बड़ा उठा दिया बम्पर, ठीक है, व्हाइट की जगह रेड ब्लू ग्रीन कलर लगा दिया, अंदर एक छोटा सा एसी डक चेंज कर दिया, पहले लाइट का बटन आगे था अब ऊपर कर दिया, ये थोड़े थोड़े माइनर, मैंने अगेन बोला ऊपर वर्ड क्या लिखा है, मेजर वे में चेंज नहीं करना, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट ही लिया है, मारुति ने नहीं है, नाम क्या प्रोडक्ट का, मारुति ऑल्टो K10 800, प्रोडक्ट का नाम ही नहीं आ गया, तो क्यों लाए, बिकॉज सर एग्जिस्टिंग मार्केट में कस्टमर तो है लेकिन वो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट खाएगा नहीं, क्यों नहीं खाएगा, वो उस प्रोडक्ट से बोर हो चुका है, तो मार्केट में क्या लाओ, और अगर न्यू प्रोडक्ट लाए तो आपको प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा, एक जमाने में चलती थी फ्लॉपी, देखिए फ्लॉपी, फिर आई सीडी, फिर आई डीवीडी, फिर आई एसडी कार्ड, फिर आया माइक्रो एसडी कार्ड, फिर आया गूगल ड्राइव, अभी का लेटेस्ट वर्जन क्या है, कोई भी डेटा सेव करना होता है फ्लॉपी में करते हो या गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव मतलब क्लाउड पे सेव कर दिया, जब चाहेंगे तब क्लाउड से डेटा उठा लेंगे, क्लाउड क्या होता है, ईआईएस में पढ़ेंगे, यानी आज के टाइम में कोई पेन ड्राइव में सेव नहीं करता, कहाँ सेव करता है, गूगल ड्राइव, दैट इज क्लाउड पे डेटा सेव कर लेते हैं, यानी डे बाय डे कस्टमर सेम है, मार्केट सेव करने वाला, डेटा सेव करने वाला, लेकिन वो डेटा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में सेव नहीं कर सकता, बिकॉज वो प्रोडक्ट अब बिकना क्या हो गया है बंद, तो आपको मार्केट में क्या करना पड़ेगा, और नया प्रोडक्ट लाना है मतलब क्या, प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स शुरुआत में वीडियो कैसेट्स बनाता था, क्या बनाता था, उसे उसी टाइम समझ आ गया कि फ्यूचर में ना क्लाउड का जमाना है, और पूरा का पूरा नेटफ्लिक्स क्या बन गया, क्लाउड बेस्ड ऐप बन गया, डेटा क्लाउड पे रखा है, आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना है, आपके फोन में इंटरनेट होना चाहिए, आप जो चीज क्लाउड पे सेव है वो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेके वीडियो देख सकते हो, पहला फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, पहली बात तो खुदा खुद, और इंडिया में चला कब, जब उसने इंडिया की भी वेब सीरीज लॉन्च की, बिकॉज लोग बाहर के तो देखेंगे नहीं, हिंदुस्तान को तो हिंदी में चाहिए, तो उन्होंने इंडिया के लोगों को लिया, फिर इंडिया की वेब सीरीज बनाई, इंडिया की मूवी ली, तो अब लोगों को नेटफ्लिक्स समझ आ गया है, और वो नेटफ्लिक्स का ऐप का इंस्टॉलेशन लेके रखते हैं, पैसे देके रखते हैं, तो वो पैसे कमा रहा है, लेकिन उस जमाने में नेटफ्लिक्स ने क्या किया था, एक नया प्रोडक्ट लेके आया था, किसके लिए, एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए, तो वो क्या है, क्या है वो, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, क्या प्रोडक्ट डेवलपमेंट में रिस्क है, किसी को अगर ऑल्टो के 10 का कड़ी चावल कलर पसंद नहीं आया तो, ये होता है कड़ी चावल कलर, ठीक है, एक कलर आता है ना येलो भी नहीं होता, प्रॉपर ग्रीन भी नहीं होता, कड़ी चावल उसमें, तो अगर आप एक ऐसा नया कलर लॉन्च कर दोगे शायद कस्टमर खरीदे और कस्टमर को शायद वो कलर, तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं, तो काम तो ग्रोथ के लिए कर रहे हैं बट रिस्क है, हम मार्केट को नहीं जानते या प्रोडक्ट को नहीं जानते, हम मार्केट को जानते हैं बट नया प्रोडक्ट उस मार्केट को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा ये नहीं पता हमें, तो ये रिस्क फेंचर है, बट रिस्क थोड़ा कम है इन कंपैरिजन टू डाइवर्सिफिकेशन, बिकॉज हम एक को तो जानते हैं, किसको जानते हैं, किसको नहीं जानते, प्रोडक्ट को नहीं जानते, आई बात समझ, तो इस टॉपिक को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्लीज पढ़ना शुरू करेंगे, खैर ऊपर वाला पार्ट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, मेजर वे तक पढ़ा था, आगे पढ़ते हैं, पेनिट्रेशन रेफर्स टू व्हाट, ग्रेटर स्पेंडिंग क्यों करनी पड़ेगी, देखो लोग जब तक आप कैडबरी का हर टाइप का ऐड नहीं देखोगे तब तक कैडबरी रक्षाबंधन खाने के बाद मीठा हो जाए लोग नहीं खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, जब समझ यार रात को मीठे में कैडबरी भी तो खा सकते हैं, कैडबरी तो 10 रुपए की आ जाती है और एक रसमलाई लेने जाएंगे तो 25 रुपए का एक मलाई आएगी, तो इससे अच्छा क्या है कैडबरी खा लो, मीठा भी हो गया और कैडबरी ब्रांड भी है। ओवरकमिंग कॉम्पिटिशन इज अ मैच्योर मार्केट रिक्वायर, एग्रेसिव प्रमोशनल कैंपेन करना पड़ेगा सपोर्टिंग बाय व्हाट, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हर जगह चलेगी, यानी आपको हर जगह ये फील कराना पड़ेगा कि इतने रुपए में तुम्हें इतना कुछ मिल रहा है, 5 रुपए की है क्रीम लेकिन इससे आपके होठ भी बचेंगे, एड़ियां भी बचेंगी और त्वचा भी बचेगी, तो जब तक आप उसकी ऐसी फीचर ही होंगे ना कि 5 रुपए में तुम्हें 50 रुपए का माल दे रहे हैं तब तक आपको सामान। आगे डिजाइन टू मेक मार्केट अनएट्रेक्टिव फॉर द कंपेटिटर, इतनी मार्केटिंग कैंपेन करो कि मार्केट के जो कंपेटिटर है उनके लिए मार्केट कैसी हो जाए अनएट्रेक्टिव, मतलब कस्टमर जाए तो क्या खरीदे, डाबर कैडबरी की चॉकलेट और जो
जो मिठाई बेचने वाले हलवाई हैं वो अपनी मिठाई ना बेच के क्या बेचे कैडबरी। मार्केट में को कंपेटिटर्स के लिए कैसा कर दो भाई, तू बाहर चला जा, मार्केट में टिकूंगा तो मैं ही टिकूंगा। पेनिट्रेशन इज ऑल्सो डन बाय एफर्ट, वॉट क्या वर्ड यूज हो रहा है, उसका यूसेज इंक्रीज कराओ। दिन में एक बार टूथपेस्ट करना है, दो बार कराओ, क्या हो गया, यूसेज बढ़ गया। ये क्रीम आप सिर्फ त्वचा पे लगाने के लिए नहीं, होठों पे लगाने के लिए, एड़ियों पे लगाने के लिए भी यूज करें, क्या हो गया। ये डाबर हनी सिर्फ पतला होने के लिए नहीं, त्वचा पे ग्लो लाने के लिए, ब्रेड पे लगा के भी खा सकते हैं, यूसेज बढ़ गया। किसके द्वारा, इट इज कंसीडर्ड एज, क्या आपको इस पैराग्राफ का हर एक क्लियर वर्ड क्लियर है, एक बार दोबारा पढ़ेंगे खुद से और आपको जो जो याद हो रहा है आप उसे याद करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट पेनिट्रेशन के बारे में 2 मार्क्स का शॉर्ट नोट आ जाएगा तो क्या लिख के आएंगे, हमने उस चीज को अंडरलाइन कर रखा है, प्लीज एक बार दोबारा गो थ्रू करेंगे। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये क्यों यूज करते हैं, ग्रोथ पे जाने के लिए। दूसरी चीज, एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बेचे हैं, खत्म। तीसरी चीज, सेल ज्यादा कर रहे हैं किसको, नए कस्टमर को, एग्जिस्टिंग कस्टमर को। चौथी चीज, एग्रेसिव मार्केटिंग करनी पड़ेगी जिसमें पैसा भी अच्छा खासा खर्च होगा। या यहाँ पे हमारा मेन फोकस क्या होता है, मार्केट से कंपेटिटर को बाहर ही कर देना। अब डाबर हनी ध्यान से देखना, डाबर हनी क्या सिर्फ पतंजलि के हनी के साथ कंपीट कर रहा है, या अब उसका कॉम्पिटिशन किसान के जैम के साथ भी होने लगा, बिकॉज वो तो जैम से भी लड़ रहा है, वो कह रहा है जैम की जगह मुझे खाओ। तो मार्केट से क्या कर रहा है, वो कंपेटिटर्स खत्म कर रहा है। नेक्स्ट, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा मेन फोकस क्या होगा, यूसेज बढ़ाना, किसको, और यहाँ पे रिस्क कम है या ज्यादा है, क्यों है। हम मार्केट को भी जानते हैं और प्रोडक्ट को भी जानते हैं, मुझे लगता है कि मार्केट पेनिट्रेशन समझ आ गया, पक्का लो बोला है, नो दिस थोड़ी ना बोला है, और इस तो हर जगह। रिस्क तो धंधे में ही है, मैं आपको यहां बैठ के पढ़ा रहा हूं, मैं आपको जो कुछ ही बोल रहा हूं क्या रिस्क है, मेरी बात को सुनना। अगर मैं क्लास में थोड़ा ज्यादा एंटरटेनमेंट ले आऊंगी, रिस्क है, कोई स्टूडियस बच्चा बोलेगा मजाक कर रहे हैं, मैं ज्यादा स्टूडियस बातें करूं तो क्या रिस्क है, एक बच्चा बोलेगा नींद आएगा। मैं आपको अपना समझ के पढ़ाऊं तो आप बोल रहे हो इतना इतना क्यों घुल मिल रहा है। मैं आपको आर्म लेंथ डिस्टेंस से पढ़ाऊं तो आप बोलोगे ये क्या बात होती है, हमसे थोड़ा हंसमुख के बात भी नहीं कर सकते। हर एक चीज क्या है, तो रिस्क तो है, क्या रिस्क है वो भी नहीं पढ़ना, वो हम धीरे धीरे स्ट्रेटेजी पढ़ते जाएंगे, हमें धीरे धीरे समझ आते जाएंगे। पॉइंट नंबर टू, अगला रिस्क है, अगला थ्योरी क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है, मार्केट सेम है लेकिन प्रोडक्ट नया। बिना थ्योरी पढ़े आप मुझे जरा 2, 3, 4 में से बताएं कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहां पे आएगा। पढ़ लो एक बार, 2 में आएगा, 3 में आएगा कि 4 में आएगा। बंद करवाना है, अभी करवाता हूं। 2 में, 3 में, 4 में। थोड़ा सा एफर्ट मार ले, 2 में, 3 में, 4 में। 4 में क्या कह रहा है प्लीज पढ़ना, फिर हम 2 भी पढ़ेंगे क्या कहता है। 4 में क्या लिखा है, एक रेनॉल्ड ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मतलब क्या बनाती है, ऑटो, ऑटो से मतलब ऑटो नहीं होता, ऑटो मतलब ऑटोमोबाइल कंपनी। वो क्या लॉन्च कर रही है, अनगियर्ड स्कूटर, यानी स्कूटर्स में क्या आते थे, गियर। अब बहुत लोगों को गियर चेंज करने नहीं आते, जैसे गाड़ी भी कैसे लगी है, ऑटोमेटिक गियर वियर बदलने की जरूरत नहीं है, 3 ही है आगे पीछे, नॉर्मल स्पीड। अब वहां पे अगर आपने ऐसी कोई गाड़ी लॉन्च कर दी जिसमें जिसमें गियर नहीं है, आप बताओ क्या वो कोई किसी नए सेगमेंट को सर्व कर रही है। पहले भी वही लेता था इसको, फोर व्हीलर चलाना था, अभी भी कौन ले रहा है। लेकिन मार्केट में क्या आ गया, एक नया प्रोडक्ट आ गया जिसकी वजह से हमारी सेल बढ़ सकती है। आज के टाइम में कोई ईवी गाड़ी बनाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल, कैसी गाड़ी है वैसे ईवी, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल बताओ कहां पे जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन में जाएगा या प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाएगा।
मैंने क्या बोला, ऑथर की ओपिनियन है, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो। आप कह सकते हो ईवी एक नया मार्केट है और ईवी एक नई गाड़ी है, तो इसको क्या बोल सकते हो आप? और आप क्या बोल सकते हो, सर ईवी है तो गाड़ी, पहले भी इंसान फोर व्हीलर खरीदा था, फोर व्हीलर की जगह टू व्हीलर थोड़ी ना बना रहे हैं, है तो फोर व्हीलर, उसका मार्केट एग्जिस्ट करता है, और हम उसके लिए क्या लाए, पेट्रोल के अलावा आप ईवी गाड़ी, तो ईवी गाड़ी क्या हो गई? आपका आंसर बदल जाएगा आपकी सोच पे। अगर आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक नया ही मार्केट है एलोन मस्क जैसा कहता है, तो आप अपने वर्ड को क्या, आपका आंसर क्या होगा? लेकिन अगर आप बोलते हो कि सर ऑटो व्हीकल तो एग्जिस्ट करते हैं ना, फोर व्हीलर तो एग्जिस्ट करते हैं, मैं बस उस मार्केट में क्या लेके आ रहा हूं, एक नया प्रोडक्ट पाले बनाता था, पाले जी, लोगों ने बोला ये बिस्किट खा खा के बोर हो गए, वो ले आया पाले मोनाको, मोनाको खाया नमकीन मीठा, क्या जिसको तुम्हें टेस्ट चेंज चाहिए था उसको अच्छा लगा? क्या प्रोडक्ट नया है? हाँ। क्या मार्केट नहीं है? मार्केट तो वही है, वही बिस्किट खाने वाला कस्टमर ही तो खाएगा। फिर कस्टमर ने बोला मैं इससे बोर हो गया, तो वो कह रहा पाले बॉन बॉन चॉकलेट क्रीम। क्या वही कस्टमर जो बिस्किट खाता है, लेकिन वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट खा खा के क्या हो गया, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। फिर कस्टमर थोड़ा, फिर पार्ले का वो क्या ले आए, चिटबिट्स, ठीक है, फिर वो पार्ले का क्या ले आए, चिप्स ले आए। उसी कस्टमर के लिए क्या लाते जा रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट, ताकि हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट खा खा के बोर हो जाए तो नया प्रोडक्ट ट्राई कर ले। और अब इतने सारे प्रोडक्ट हो गए कि वैरायटी है, आप कोई सही प्रोडक्ट खा सकते हैं। थम्स अप अगर कोका कोला लॉन्च करता है, ऐसे कोका कोला को एक्वायर किया, लॉन्च नहीं किया, बट अगर कोका कोला को थम्स अप बेचता है, तो बताओ क्या है वो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, या एग्जिस्टिंग मार्केट में एक नया प्रोडक्ट? क्वेश्चन अगर आता है कि पहले मैं थम्स अप बेचता था, अब मैं माउंटेन ड्यू भी बेच रहा हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, एक नया फ्लेवर ऐड किया है, नया फ्लेवर मतलब नया प्रोडक्ट, लेकिन पीने वाला तो सेम कस्टमर है। तो जब हमें लगता है कि हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में औकात नहीं रही, वो कस्टमर को ग्रैब नहीं कर पा रहा, तो हम क्या करते हैं, उसको ग्रैब करने के लिए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। तो पहले लोग गियर चला चला के बोर हो गए थे, हमने बोला अब हम तेल एक ऐसी स्कूटी ला रहे हैं जिसमें क्या होगा, गियर फ्री, बिंदास चलाओ, बस भगाओ भगाओ भगाओ, स्पीड दो। क्या इससे हमारी सेल बढ़ सकती है? अब इससे वो लोग भी गाड़ी खरीदेंगे जिनको गियर बदलने में क्या होती थी दिक्कत, टेंशन, अब वो लोग भी गाड़ी खरीदेंगे, अगेन सेल बढ़ी। जो गियर खरीदना चाहते हैं वो तो गियर वाली खरीदेंगे, और जिनको गियर में दिक्कत होती है वो बिना गियर वाली खरीदेंगे, और ऐसा करने की वजह से हमारी सेल अगेन बढ़ेगी। लेकिन क्या यहाँ रिस्क है, नया प्रोडक्ट नहीं चला तो? क्या बोला मैंने, नया प्रोडक्ट नहीं चला तो? कोका कोला ने इंडिया में लॉन्च किया था गुआवा फ्लेवर, इंडिया में गुआवा फ्लेवर पसंद नहीं आता लोगों को, बिकॉज गुआवा इंडिया का है ना, इंडिया में लोगों को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद आ जाएगा, लेकिन गुआवा फ्लेवर पसंद नहीं आता इंडिया में बहुत लोगों को। तो कोका कोला ने लॉन्च किया था गुआवा फ्लेवर फेंटा में, बट वो चला नहीं, क्यों? तो वो गुआवा में वो टेस्ट ही नहीं आ पाता इंडिया में। अब नहीं चला तो क्या हुआ, ऊपर गया या सेल डाउन गई? तो नया प्रोडक्ट लाने से आपको फायदा भी हो सकता है, बट रिस्क है। बट रिस्क किससे ज्यादा है, क्या मार्केट पेनिट्रेशन से ज्यादा है, लेकिन क्या डाइवर्सिफिकेशन से कम है? पढ़ेंगे प्लीज, प्लीज पढ़ेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्या लिखा है पहला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट रेफर्स टू व्हाट, वेयर बिजनेस एम्स टू इंट्रोड्यूस इनटू मार्केट, वही है प्रोडक्ट नया होगा। इट इज अ स्ट्रेटजी फॉर कंपनी ग्रोथ बाय ऑफरिंग मॉडिफाई और न्यू प्रोडक्ट टू करंट मार्केट। उसी मार्केट में रह के आपको क्या करना है, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। जनरली ये जो स्ट्रेटजीज हैं वो कपड़े वाले लोग बहुत यूज करते हैं, जो एप्पल इंडस्ट्रीज में जो कपड़े बनाते हैं रेडीमेड गारमेंट्स, वो लोग इसका बहुत यूज करते हैं। अरे मैडम ये कुर्ता तो मैंने, मैडम आपने जो कुर्ती परचेज की होगी वो कुर्ती थी, या गर्ल्स मुझे नाम नहीं पता, मतलब मैडम वो शरारा था, ये प्लाजो है, अंतर होता है, ठीक है, होता दोनों हुई ना कि नीचे से मतलब प्लाजो और शरारा नीचे से थोड़ा फैल जाता है, पैंट बेल बॉटम पैंट, मैडम वो शरारा था, ये प्लाजो है, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, कस्टमर वही है आपका,
वही फीमेल आपका प्रोडक्ट परचेज करेगी, लेकिन अब उसके पास क्या है, एक वैरायटी है, उसके पास एक नया प्रोडक्ट है। दिस स्ट्रेटजी में रिक्वायर द डेवलपमेंट ऑफ, अगर आप किसी नए प्रोडक्ट में कूद रहे हैं तो क्या आपको नई कॉम्पिटेंसी स्किल सीखनी पड़ेगी? अगर मैं फाउंडेशन के साथ साथ इंटर का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा या इंटर के एक सब्जेक्ट के साथ साथ इंटर का दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो क्या मुझे उसमें भी एक्सपर्टीज हासिल करनी पड़ेगी? तो आपको न्यू कॉम्पिटेंसी सीखनी पड़ेगी और आपको अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा और अपील करना पड़ेगा किसको? पाले जी नहीं पसंद, ले पाले 50-50 मोनाको खा ले। तो आपको नए उसी मार्केट के कस्टमर को नए प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा अगर आपको वो नया प्रोडक्ट बेचना है। आई बात समझ? या रिस्क है या नहीं है? किससे ज्यादा है, किससे कम है? नेक्स्ट, अगला, अभी तो हमने पढ़ा मार्केट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? बिना बिना सोचे बताओ मार्केट डेवलपमेंट क्या है? उसी प्रोडक्ट को लेके बताना, इस तीन क्वेश्चन में से किसमें जा रहे हो? 2-3-4 में से। इंडिया में बहुत फेमस थे हम, कहाँ जा रहे हैं उस प्रोडक्ट को लेके? तो प्रोडक्ट तो वही है, मार्केट ने है। मैं यही सीए कोचिंग लेके, सीए क्लासेस लेके कहाँ पहुंच जाऊं अगर? दुबई में। तो क्या हो जाएगा? मार्केट डेवलपमेंट। मैं वहां का मार्केट क्या करूंगा? डेवलप करूंगा। श्री रत्नम चेन साउथ की थी, नॉर्थ में आ गई, क्या बेच रही है? सांबर डोसा। तो क्या कर रहे हो? नॉर्थ के लोगों को छोला भटूरा खाने की आदत थी, उनको क्या खाना सिखाया? इडली डोसा सांबर रसम खाना सिखाया, उत्पम खाना सिखाया। तो मतलब क्या किया? यहाँ मार्केट थी नहीं, लेकिन मार्केट क्या हो गई? बन गई। प्रोडक्ट कहाँ का था? साउथ का। कहाँ बेच रहे हैं? नॉर्थ में। क्या हो गया ये? बिरयानी सबसे ज्यादा कहाँ बिकती थी? हैदराबाद। लेकिन वो कौवा बिरयानी थी फेमस हुई, मतलब आज के टाइम में बिरयानी हर जगह मिलती है, और अब तो बिरयानी वेज भी मिलती है, ठीक है? हाँ है ना, बिरयानी किसी को नहीं पता था ऊपर की साइड, नॉर्थ में, बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, ये नीचे का सामान है, हैदराबाद का सामान है। लेकिन आप भी इस प्रोडक्ट को जानते हो, क्यों? बिकॉज कंपनी आई बिरयानी बाई किलो एंड ब्लाबला कंपनी है जिन्होंने इस मार्केट में आके भी बिरयानी बेची, यानी उसके हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने क्या एक्सप्लोर किया है? प्रोडक्ट चेंज किया नहीं, वही बिरयानी है, बट कहाँ बेचेंगे? एक नए मार्केट में। मार्केट कैन बी डिफर, अब ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, मार्केट कैन बी डिफर अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी, अकॉर्डिंग टू कस्टमर बेस। अगर बोल रहा हूँ पहले हम बच्चों को बेचते थे, वही सामान हम आंटियों को बेच रहे हैं, हॉलिक्स, आंटी हॉलिक्स। क्या किया हमने? हमने ज्योग्राफी चेंज किया, कस्टमर चेंज किया। और अगर बोल रहा हूँ डोसा, पहले साउथ में था अब नॉर्थ में आ गया, तो मैं कस्टमर वाइज चेंज कर रहा हूँ या ज्योग्राफी वाइज चेंज कर रहा हूँ? तो आपको ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा अपने आंसर के साथ कि मार्केट चेंज हुआ है, बट मार्केट किसके अकॉर्डिंगली? जो अभी आपने नीचे क्वेश्चन देखा है वाला, फोन मार्केट वाला, इसमें कौन सा मार्केट चेंज है? कस्टमर वाइज, ज्योग्राफिकल। आई बात समझ? तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मार्केट किस हिसाब से नया है, कस्टमर के हिसाब से नया या लोकेशन ज्योग्राफी के हिसाब से नया। चलो वापिस आ रहे हैं, जल्दी से पढ़ रहे हैं मार्केट डेवलपमेंट। मुझे इसमें कुछ नहीं पढ़ाना, आप खुद पढ़ सकते हो, पढ़ो। मार्केट डेवलपमेंट क्या है? अगेन ग्रोथ क्यों है? दूसरी मार्केट में जाएंगे तो वहां भी पैसा कमाएंगे, बोलो हाँ। कुछ नहीं बोलते तुम लोग, रहने दो तुम। सेलिंग क्या कर रहे हैं? किस मार्केट में? इट इज अ स्ट्रेटेजी फॉर कंपनी ग्रोइंग व्हाट एंड डेवलप नया मार्केट फॉर। दिस स्ट्रेटेजी मे बी अचीव थ्रू न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिफरेंट प्राइस। क्या मैं दूसरे जगह जाके अलग प्राइस रख सकता हूँ? जैसे जब मैं गाजिया में पढ़ाता था तो मैं अपने सब्जेक्ट को बेचता था 12,000 का ESSM, तब ITSM हुआ करता था। और जब IGP में आके पढ़ाता था तो यहाँ IGP में, बिकॉज दिल्ली में लोग जानते नहीं थे, अब जानते नहीं है तो कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करें? 6,000 6,000। तो गाजिया वाला कस्टमर बेचारा परेशान हो रहा है, सर आप तो 6,000 में बिक रहे हो, मैं 12 में खरीदूँ आपको, मैं 6 में ही पढ़ लूंगा। तो आप जब नए मार्केट में जाते हैं तो आपको अपना क्या चेंज करना पड़ता है? प्राइसिंग तक चेंज करनी पड़ती है। अच्छा ये तो आपको ऐसे पता होगा, एक अलग स्टॉक में, स्टॉक मार्केट में क्या अलग रेट हो सकते हैं? एक शेयर सेंसेक्स में अलग दाम पे बिक रहा है
दूसरे स्टॉक चेंज में अलग दाम पे बिक रहा है, ऐसा हो सकता है, लेकिन दोनों की मार्केट कैसी है, अलग अलग। जो खाना या जो सब्जी आपको दिल्ली में महंगी मिलती होगी, ऐसा हो सकता है गुड़गांव में वहां महंगी मिलती हो, मुंबई में वहां महंगी, और वही चीज है गाजियाबाद नोएडा में थोड़ी सस्ती। अरे हाँ, हमने क्या पढ़ा, प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, जब प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे तो नए प्रोडक्ट, हम जब उस मार्केट में लोग हमें जानते नहीं है तो शुरुआत में हमें सामान कैसा बेचना पड़ सकता है, सस्ता। इसके अलावा क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोडक्ट की क्या पैकेजिंग चेंज करनी पड़ेगी। कोका कोला आज के टाइम पे कैसी लगती है तुम्हें, इंडियन कंपनी है, इंडिया से बाहर की कंपनी, वो तो तुम्हें पता है कोका कोला बाहर की है, बट जितने भी तुम उसके एडवर्टीजमेंट, कैसी सी फीलिंग आती है। देखो एडवर्टीजमेंट कैसे होते हैं, इस दिवाली पे अकेले मत रहिए, कोका कोला पीजिए, क्या बिकॉज उनके जितने भी एडवर्टीजमेंट है वो इंडियन के, इंडिया के फेस्टिवल्स के हिसाब से, वो ये भी ध्यान रखते हैं कि अगर इस एडवर्टीजमेंट को नॉर्थ में चलाना है तो रणबीर कपूर लो, साउथ में चलाना है रश्मिका को लो, समझो, जिस एरिया का जो पॉपुलर, बिहार में जाना है, बिहार में कौन पॉपुलर, निरहुआ को लो, ठीक है, तो जिस एरिया का जो बंदा पॉपुलर होगा उस एरिया की शक्ल लेके वो उससे एडवर्टीजमेंट कराते हैं, ताकि फीलिंग दे सके हम आप ही के लिए तो हैं, हम बाहर के कस्टमर, बाहर के प्रोडक्ट। पीटर इंग्लैंड नाम सुन के कैसी फीलिंग आती है, लेकिन पता है ना वो इंडिया का प्रोडक्ट है, आदित्य बिरला ग्रुप का, उसने जानबूझ के प्रोडक्ट का नाम पीटर इंग्लैंड रखा, क्यों, कस्टमर अब तो खरीदेगा, फॉरन प्रोडक्ट परचेज किया। तो कई बार प्रोडक्ट का नाम हम इसलिए भी चेंज करते हैं ताकि सेल बढ़े, खैर वापिस आते हैं। हमने तीन चीज पढ़ ली, पहली क्या, व्हाट इज मार्केट पेनिट्रेशन, एग्जिस्टिंग मार्केट में अपने प्रोडक्ट पे जहां बहुत भरोसा होता है वहां पे लोग मार्केट पेनिट्रेशन यूज करते हैं, जहां आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है आप क्या करते हो, यहां भी पढ़ा लेता हूं, वहां भी पढ़ा लेता हूं, वहां भी पढ़ा लेता हूं, मतलब आपने क्या किया, दो तीन मार्केट पकड़ ली और दो तीन मार्केट में वही प्रोडक्ट बेच रहे हो, कस्टमर अब ऐसे बढ़ा कैसे कैसे, अलग अलग मार्केट में जाके। तीसरा, कई बार आपको क्या लगता है कि यार मेरे को एग्जिस्टिंग मार्केट में ना थोड़ा फीलिंग नहीं आ रही, तो आप क्या करते हो, आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, ताकि आप उसी मार्केट में क्या कर सको, एक नया प्रोडक्ट लाके उससे भी पैसा कमा सको। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अलावा जो भी है वो क्या है, आप जरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू में ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन नंबर थ्री का सेकेंड पार्ट क्या लिखा है, हम होटल इंडस्ट्री में थे और कहाँ कूद रहे हैं, अब तक हम बनाते थे बड़े बड़े फाइव स्टार होटल्स और अब आज से हम करेंगे, आज से हम दूध बेचेंगे, आईटीसी होटल भी बनाता है और आईटीसी के बिस्किट्स भी आते हैं, मदर डेयरी सिर्फ क्या बनाता है, मिल्क प्रोडक्ट्स। अब अगर मदर डेयरी अपने फाइव स्टार होटल खोले चलेगा, रिस्क है ना, बिकॉज आप मदर डेयरी को कैसे कैसी इमेज डेवलप करते हो, लेकिन टाटा हुई, रिलायंस हुई, ये लोग होटल के साथ अगर डेयरी में भी कूदेंगे कूद जाएंगे, ब्रांड नेम इतना बड़ा है कि टाटा खुद कल से खुद का टाटा मिल्क शुरू करेगा तो बिक जाएगा, और टाटा के होटल तो हैं ताज, अरे बोलो हाँ, वो ब्रांड पे डेवलप करता है और ब्रांड के पीछे जो प्रमोटर है, जो उस कंपनी को चलाने वाला है, उस पर डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट को ऊपर ले जा सकता है। मदर डेयरी को आप ऐसा अज्यूम नहीं कर पा रहे कि मदर डेयरी होटल इंडस्ट्री में हो सकता है, क्यों, बिकॉज आप मदर डेयरी का नाम सुनते हो तो कैसी फीलिंग आती है, मदर में मतलब प्रोडक्ट में क्या नाम है, मदर डेयरी, बट टाटा में ऐसा कोई डेयरी नहीं है, टाटा एक नया प्रोडक्ट लिया था ताज, टाटा का नया प्रोडक्ट क्या लेगा, टाटा मिल्क, ठीक है, तो टाटा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट बदल सकता है, बोलो हाँ, ये बात आपने बचपन में बिजनेस स्टडीज में पढ़ी होगी कि नाम क्रिस्पी होना चाहिए, लक्स मैगी जो जुबान पे चढ़ जाए, तो मदर डेयरी कैसा वर्ड है जो कैसे चढ़ रहा है दिमाग में, डेयरी दूध, तो मदर डेयरी अगर फाइव स्टार होटल खोलेगा तो नहीं चलेगा, तो मदर डेयरी को फाइव स्टार होटल खोलने को तो क्या करना पड़ेगा, एक नया ब्रांड, एक नया नाम सोचना पड़ेगा। आई बात समझ, ओके, तो पॉइंट नंबर टू का आंसर क्या था, डाइवर्सिफिकेशन, क्या बहुत रिस्की वेंचर है क्योंकि मार्केट भी नहीं है, और जब हम फाइव स्टार होटल बनाते थे हमारा कस्टमर कौन होता था, लेविश, जो फाइव स्टार में रह सकते हैं, उन्हें हम 50 रुपए का माल 500 में बिकेंगे खरीद लेगा, और आप जब दूध बनाने आ गए तो दूध एक नेसेसरी है, अगर 25-26 का भी किया ना उसमें स्विच इंडिया ले लेगा, बेशक नमस्ते इंडिया मिलावट हो, सस्ता तो है ना, ठीक है, तो वहां पे नेसेसरी वाले में आप हल्का सा प्राइस चेंज करोगे तो कस्टमर बिगड़ सकता है, तो आपको उस मार्केट की भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज डाइवर्सिफिकेशन गोज इनटू
लॉस बिजनेस। तो डाइवर्सिफिकेशन में भी क्या ग्रोथ है? आज के टाइम में जितनी कंपनियां वो क्या करती हैं, रिलायंस कैसी कंपनी है, वो एक मार्केट में कई मार्केट में, एक प्रोडक्ट के साथ है कई प्रोडक्टों के साथ है, टाटा महिंद्रा बिरला अडानी, वहां पे एक कंपनी तेल बेच रही है और वहीं वही कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कुछ कर रही है, वही कंपनी स्टील बेच रही है। तो आज के टाइम में कंपनियां क्या करके रखती हैं, वो एक से ज्यादा प्रोडक्टों में और एक से ज्यादा मार्केट में डील करके रहती हैं, उससे भी कंपनी का वर्चस्व बढ़ता है, उससे भी कंपनी ग्रो करती है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाइवर्सिफिकेशन। सबसे ज्यादा रिस्क किसमें है, क्यों? आपका एक प्रोडक्ट आपको या तो बाकी प्रोडक्टों में ग्रोथ दिला सकता है, और आपका एक प्रोडक्ट का नाम खराब होना आपके बाकी प्रोडक्टों को डुबा भी सकता है। वहीं पे आप मैगी बनाते हो, वहीं पे आप नेस्ले का माइलो बनाते हो, वहीं पे आप नेस्ले की किटकैट बनाते हो। अगर मैगी का नाम खराब हुआ, कहीं ना कहीं आपके नेस्ले का माइलो, आपका नेस्ले का किटकैट भी बिकना बंद हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन के नुकसान है, प्लीज पढ़ना शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है डाइवर्सिफिकेशन, पढ़ो। डाइवर्सिफिकेशन अगेन क्या है, जहाँ पे बिजनेस का मार्केट क्या है और न्यू मार्केट है, स्टार्टिंग अप और एक्वायरिंग बिजनेस आउटसाइड द कंपनी। तो अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है तो कैसे कैसे कर सकते हो, खुद दे रखा है दो तरीके से। पहला कैसे, मुझे गाजियाबाद के बाद दिल्ली में अपनी मार्केट ओपन करनी थी, क्या करता, खुद का इंस्टीट्यूट खोलता, ऋषभ गौर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, या फिर यहाँ दिल्ली में फेमस कौन है, आईजीपी, चलो इसको खरीद लेते हैं। आखिर सब बोलो कितने बेच रहे हो आईजीपी, अपना शेयर मुझे दे दो। पढ़ा वही फैकल्टी रही होती, लेकिन ओनर प्रॉफिट किसके पास ज्यादा होता, ओनर, और ओनर कौन है, बदल गया, आशीष सर ने मुझे बेच दिया। तो मैं दो तरीके से मार्केट में नई जगह पे घुस सकता हूँ। पहला कैसे, खुद से नए होटल्स बना, जैसे ओयो ने क्या किया, या खुद से नए होटल्स बनाए, या बने बनाए छोटे छोटे होटल्स को पकड़ के अपने ऐप पे ले आया, उसको एक भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं पड़ी। और आज के टाइम में ओयो होटल दुनिया का सेकेंड सबसे लार्जेस्ट रूम रखने वाला होटल है, जिसके जो ताज के पास भी नहीं है, बिकॉज ताज खुद बना रहा है। और ओयो ले ले, नाम रख ले बस अपने ब्रांड के साथ, ओयो का टाइप करवा ले, पर ऐसा करके ओयो के पास आज टाटा से भी ज्यादा, आईटी से भी ज्यादा भी होटल्स हैं, उससे ज्यादा रूम्स कैपेसिटी है इनके पास। तो डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन मतलब आप खुद से भी स्टार्ट कर सकते हो या फिर क्या कर सकते हो। इसके अलावा क्या ये बहुत रिस्की है, क्यों? क्योंकि ना तो आप प्रोडक्ट को जानते हो और ना ही आप मार्केट को जानते हो। टिपिकली बिजनेस बिजनेस इन द मूविंग इन टू मार्केट इन विच हैज लिटिल और नो एक्सपीरियंस। आप यहाँ पे ऐसी मार्केट में कूदे हो जहां पे आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या है तो थोड़ा मोड़ा। आई बात समझ? अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, इससे पहला क्वेश्चन आपका ऐसा बनेगा, प्लीज क्वेश्चन पढ़ना, क्या लिखा है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है? द एंड्स ऑफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स इज अ यूजफुल टूल फॉर हेल्प बिजनेस इन द प्रोडक्ट एंड मार्केट ग्रोथ स्ट्रेटजी। इस बात को एक्सप्लेन कीजिए, कैसे एक्सप्लेन किया, आई से का आंसर देखो, जितना आपने पढ़ा उससे ज्यादा है, जितना आपने पढ़ा उससे कम, कुछ भी नहीं कर रखा है इसने। इसने बोला मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है, एग्जिस्टिंग मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मार्केट डेवलपमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट वही मार्केट नया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होती है, मार्केट वही प्रोडक्ट नया, डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है, नहीं मार्केट नहीं पढ़े, आईसीए का आंसर खत्म। तो अगर आप पूरा पढ़ के जाओगे तो इतना तो लिख के आ पाओगे, ये कैसा क्वेश्चन है, डायरेक्ट जो पढ़ा वही चेप दिया। इसके बाद आईसीए दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछता है, यहाँ आपको मार्क्स कब मिलेंगे, जब आपने मेरे थ्योरी के साथ साथ मेरे एग्जांपल्स को सुना होगा। जब मैंने डाबर हनी का एग्जांपल दिया तो आप उसे रिलेट कर पाए किसके साथ, किसके साथ, वो याद है चोको मिक्स वाला, अरे बोलो, हाँ उसके नए यूसेज। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया था किसका, टूथपेस्ट का, तो यहाँ पे भी आपको समझ आ गया क्या हो गया, एक प्रोडक्ट को कितनी बार यूज किया जा रहा है, लेकिन प्रोडक्ट वही है, प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रहा, तो इसे क्या बोलेंगे, मार्केट पेनिट्रेशन। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन, एक जायंट होटल इंडस्ट्री कहाँ कूद गई, क्या इसका आंसर क्या है, पक्का? चलो थोड़ा सा आपका दिमाग खराब करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू में आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू की हेडिंग पढ़ना, हेडिंग क्या है, आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ व्हाट, क्या चारों में ग्रोथ वर्ड यूज था ना, चारों में, डाइवर्सिफिकेशन भी था,
मार्केट पेंटेशन में भी था, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी था और मार्केट डेवलपमेंट में भी था। बोलो हाँ पापा, ध्यान सुनेंगे प्लीज, आपको बताना है कौन सी टाइप की स्ट्रेटेजी है। आपने जब पहला क्वेश्चन पढ़ा तो क्या आंसर दिया चौको मिक्स में, क्या आंसर दिया? आपको लग रहा है ये एंस ऑफ मैट्रिक्स ही तो पूछ रहा है, नहीं लग रहा? अरे हाँ है ना। फिर आपने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन नंबर टू, शायद आप धोखा खा जाओ। अ कंपनी इन पब्लिशिंग इंडस्ट्री क्या करती है? बुक्स पब्लिश करती है, रिवाइज कर रही है अपनी कॉलेज टेक्स्ट बुक, बुक्स को रिवाइज करना क्या कह सकता हूं, नई बुक नहीं। टेक्स्ट की बुक सबसे ज्यादा बिकती है सीए मार्केट में, क्यों? हर छह महीने में अमेंडमेंट आ जाती है। तो जो बच्चा सीए टीचर से पढ़ रहा है, टीचर ने पहले पैसे कमाए पढ़ा के बच्चे को, और टीचर ने फिर पैसे कमाए अपनी बुक अपडेट करके, और बच्चा सेकेंड हैंड में फिर क्या खरीदता है? इनकम टैक्स की अमेंडमेंट बुकलेट या इनकम टैक्स की नई बुकलेट। वो नई बुक क्यों खरीदता है? उसको पता है मेरी पुरानी बुक अब नए अटेम्प्ट में काम नहीं आएगी। क्या टीचर ने नई बुक बना के फिर से पैसे कमाए? तो बुक्स को रिवाइज करने का मतलब क्या है? अरे कुछ तो बोलो, नया प्रोडक्ट लाए, कस्टमर तो वही है, तो उसी कस्टमर को क्या बेचा? मेरी बात को सुनना, अभी मैं आपको एक, आपके हाथ में ना बुक आएगी, जब आपके हाथ में बुक आएगी तो आपको यहाँ लिखा नजर आएगा फॉर मई 2022 एंड ऑनवर्ड्स। आपका एग्जाम कौन सा है? नवंबर 2022 भी नहीं, कौन सा? मई 2023। आप इस बुक को पढ़ते ही पहला सवाल मुझसे क्या खड़ा करोगे? सर ये हमारे लिए अटेम्प्ट में काम आएगी ना, मई 2022 से सही एरर हो गए, मई 2023 है। अगर मैं इसको मई 2023 करके अपने चैनल पे अपडेट करूं, टेलीग्राम पे मई 2023 लिखूं, तो ना वो जो पुराना बच्चा होगा जिसने अटेम्प्ट छोड़ दिया, जिसको अब मई 2023 देना है, वो परेशान हो लेगा। वो क्या बोलेगा? सर ऐसे में कोई अमेंडमेंट आई है? मेरे पास मई 2022 वाली बुकलेट है सर, क्या 23 वाली खरीदनी पड़ेगी? समझे हो? तो मैं आपको तो बता सकता हूँ कि मई तक, मई से लेकर 23 तक सिलेबस कैसा है, लेकिन जो बच्चा मुझसे पढ़ चुका है, पेन ड्राइव खरीद चुका है और वो अटेम्प्ट नहीं दिया, उसको अटेम्प्ट अब मई में देना है 2023 में, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि सर आपने नई बुकलेट लॉन्च कर दी लेकिन मेरे पास तो पुरानी वाली है, पढ़ूं कि ना पढ़ूं? तो अगर मैं नई बुक बनाता हूं तो क्या कर सकता, बेच सकता हूं उसको? इसमें दो क्वेश्चन ऐड करने हैं मुझे बस, कौन से वाले अटेम्प्ट के? नवंबर वाले, मई वाले, मतलब ये तो एग्जाम कैप्सूल है, इसमें तो समरी होगी, बट क्वेश्चन बैंक में क्या करना है? दो तीन क्वेश्चन ऐड करने हो, क्या करूंगा? हाँ बेटा नई बुक आ गई, और वो बच्चा ना चाहते भी नई बुक खरीदेगा, मेरे पास क्या जाएगा? तो बताओ प्लीज, पॉइंट नंबर टू का आंसर क्या है? कंपनी पब्लिश कर दिए क्या? रिवाइज कॉलेज टेक्स्ट बुक, आंसर क्या है इसका? किस किस को सच में लगा कि इसका आंसर प्रोडक्ट डेवलपमेंट है? कौन कौन यहाँ ब्लैंक था? ब्लैंक कौन कौन था? अब जो यहाँ ब्लैंक, मार्केट पेंटेशन लग रहा है आपको, प्रोडक्ट चेंज हो गया बेटा, एडिशन नया, नई बुक। आपने देखा होगा हर बार जो नई टीचर्स होंगे नई बुक में कवर पेज तक चेंज कर देते होंगे जानबूझ के, ताकि बच्चा फिर नई बुक खरीदे। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, मुझे नहीं पता वो कितना फर्क पड़ता है। अगर आप 12th क्लास में थे ना तो वहां लिखा होगा पीसी तुलसियान की बुक 2020 का एडिशन, वो कोरोना से पहले का, 2022 का एडिशन, कोरोना में पेपर चेंज हो गए थे, आपके दो बार पेपर हुए होंगे, एक बार आपके बाद वाले बच्चों के दो बार हुए होंगे, तुम तो फ्री वाले हो ना शायद, एवं ही पास हो गए थे, मतलब बिजनेस स्टडीज का शायद दिया, नहीं दिया था, उसके बाद वाले थे जिन्होंने कुछ भी नहीं दिया, उसके बाद वाले थे जिन्होंने दो बारी में दिया। तो क्या हर बार बुक चेंज हो रही होगी? बुक रिवाइज कोर्स रिवाइज, बुक रिवाइज कोर्स रिवाइज, ये मतलब होता है। पॉइंट नंबर थ्री का मुझे क्वेश्चन पढ़ो और मुझे आंसर करो, पॉइंट नंबर थ्री प्लीज। एक कंपनी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में थी, कहां कूद गई? एडिबल ऑयल, होटल्स में, फाइनेंस सर्विस में और डेयरी में भी। इसका आंसर देखेंगे बेटा सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन है या कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन है, यानी डाइवर्सिफिकेशन के भी टाइप्स होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन एनसॉफ के अकॉर्डिंगली आता, देखो क्या क्वेश्चन नंबर थ्री इसका, ध्यान से देख लो एक बार, इसका क्वेश्चन नंबर थ्री
और इसका क्वेश्चन नंबर टू क्या सेम है? अरे बोलो हाँ, बट यहां नीचे हमने आंसर क्या दिया और ऊपर हमने आंसर क्या दिया? जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज यहां पे आंसर एनसॉफ्ट के अकॉर्डिंग नहीं देना, किसके अकॉर्डिंग देना है? लेकिन सर मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट तो कहां पड़ा? एनसॉफ्ट में पड़ा ना, बोलो हाँ। क्या एक शब्द, क्या एक इंसान यूज कर सकता है? कोई और इंसान शब्द का नाम यूज नहीं कर सकता? अरे कुछ तो बोलो, कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है ना। तो हम चैप्टर नंबर टू में पढ़ेंगे एनसॉफ्ट मैट्रिक्स, और हम चैप्टर नंबर फोर में जाके पढ़ेंगे ग्रोथ मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? देखो यहां दिखाता हूं तुम्हें, थोड़ा दिमाग खराब कर लो, अभी काम चल जाएगा। पहली क्लास ही खराब हो जाएगा ना दिमाग, तो दिमाग काम करेगा, और पहली क्लास में अच्छा पढ़ा दिया, दूसरी क्लास में दिमाग खराब किया तो बहुत परेशान रहोगे। तो पहले दिन से पता होना चाहिए कि एसएम कितनी कंफ्यूजिंग है। एक्सपेंशन दिख रहा है, ग्रोथ स्ट्रेटेजी। अरे बोलो हाँ, आज नहीं पढ़ रहे, बाद में पढ़ाऊंगा। ग्रोथ दो टाइप की हो सकती है, एक कैसे और दूसरी कैसे? इंटेंसिफिकेशन के टाइप्स पढ़ो, और जब ये टॉपिक आएगा मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? ऑलरेडी पढ़ लिया, लेकिन तब एनसॉफ्ट के नजरिए से पढ़ा था, और यहां मतलब सेम है, बट वो किसी और ऑथर ने कहा, और ये ग्रोथ के नजरिए से आंसर है। अब डाइवर्सिफिकेशन को पकड़ते हैं। डाइवर्सिफिकेशन कितने टाइप के हो सकते हैं? तो यहां पढ़ेंगे डाइवर्सिफिकेशन का पहला टाइप है वर्टिकल, दूसरा है हॉरिजॉन्टल, तीसरा है कंसेंट्रिक, चौथा है कॉन्ग्लोमरेट। यानी एनसॉफ अंकल कितना कह के मर गए? एनसॉफ अंकल ने बोला बस, फिर कोई दूसरे अंकल थे, उन्होंने कहा डाइवर्सिफिकेशन के तो वैरायटीज होती है, एक होती है वर्टिकल, तीसरा कंसेंट्रिक, चौथा कॉन्ग्लोमेट। अब क्या ग्रोथ में भी ये चारों शब्द यूज हो रहे हैं? ग्रोथ में हाँ है ना, इसलिए जब ग्रोथ आएगा तो हम डाइवर्सिफिकेशन पे शांत नहीं होंगे, हमें डाइवर्सिफिकेशन का भी पर्टिकुलर वैरायटी टाइप बताना पड़ेगा। लेकिन जब वो एनसॉफ्ट के अकॉर्डिंगली पूछेगा तो डाइवर्सिफिकेशन लिखा, काम खत्म। इसलिए मैटर ये नहीं करता कि आपको कितना आता है, मैटर ये करता है कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा या नहीं पढ़ा। बिकॉज अगर आपने ग्रोथ की जगह एनसॉफ्ट की जगह ग्रोथ वर्ड यूज कर दिया होता तो आप बात को ढंग से आंसर करके नहीं आते। इसका आंसर डाइवर्सिफिकेशन भी ठीक है, इसका आंसर कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन भी ठीक है, दोनों ही आंसर एक्सेप्टेबल है। पढ़ाई से ही आपको मार्क्स कब देगा? जैसा क्वेश्चन होगा। एनसॉफ्ट लिखा है, डाइवर्सिफिकेशन लिखा है तो ही मार्क्स मिलेंगे, वहां कॉन्ग्लोमेरेट लिखा है। बिकॉज एनसॉफ्ट अंकल को पता ही नहीं कॉन्ग्लोमेरेट क्या होता है, तो मार्क्स किस बात के थे? और ग्रोथ वाला क्या बोलता है, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, वैरायटी बताओ, आपने कॉन्ग्लोमरेट है, वो क्या ठीक है, अब तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। तो जैसा ऑथर बेस्ड क्वेश्चन होगा हमें वैसा आंसर जीरो। समझो बात को या नहीं समझे अभी तक? ऐसे में ही रट्टा मारना है जो स्टडी मटेरियल में लिखा है। इसलिए मार्केट में जितने भी फैकल्टी होंगे ईएसएसएम पढ़ाने वाले, सबके सब एस पस आईसे का स्टडी मटेरियल पढ़ाते हैं। बिकॉज हम जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं एसएम और ईएस, इसमें कोई लिमिट ही नहीं है। मैं ब्लॉकचेन के बारे में कितना बता सकता हूं आपको, क्रिप्टो करेंसी के बारे में कितना बता सकता हूं, जितना मेरा मन करे। एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि ई पेमेंट के बेनिफिट्स क्या होते हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं बिना थियोरी पढ़े आप इस क्वेश्चन का आंसर आज लिख सकते हैं, बट आपका आंसर वो नहीं होगा जो आईसीए के स्टडी मैट के पॉइंट्स होंगे, मार्क्स मिलेगा जीरो। यानी क्या लिख के आना पड़ेगा, आईसीए की बुक में जो पॉइंट दे रखे हैं वही पॉइंट चेप के आने पड़ेंगे, उन्हीं हेडिंग्स के साथ, उन्हीं कीवर्ड्स के साथ, तो मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। वरना ई पेमेंट के ऊपर एडवांटेज लिखने में सब महान है, सब लिख सकते हैं एडवांटेज, बोलो हाँ, लेकिन आपकी हेडिंग किनसे मैच करनी चाहिए? तो वहां जब जेनरिक टॉपिक्स होंगे, जो इजी टॉपिक्स होंगे, वहां पे हमें स्टिक टू द स्टडी मटेरियल रहना पड़ेगा।
और यही दिक्कत जनरेट होती है EISSM में, जहां हम आपसे कह देते हैं यही करना पड़ेगा, वहीं पे आपको प्रॉब्लम आती है कि सर अपना कुछ ऐड नहीं कर सकते, अभी तुम्हें दिखाया अपना ऐड करने में क्या दिक्कतें हो सकती हैं। अब इसी पे आ गए केस बेस्ड क्वेश्चन, आप उस केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करो फिर हम आगे बढ़ पाएंगे, एमसीक्यू सॉल्व कर दे। मैं अभी आते कटवाता हूँ यहाँ। टेक्निकल टीम किसी को प्लीज भेज देना, ये वाला एसी ऑफ करवाना है, बड़ा कूलिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया, प्लीज किसी को भेज देना। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सुपरमार्केट है, और कहां पे है? दिल्ली में। पचास करोड़ से कितनी इनकम हो गई उनकी? 5-6 करोड़ पर एनम उनका 1,000 करोड़ बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कुछ स्ट्रेटेजी बताई, उनके पास 4 तरीके हैं अपनी सेल को यहां से यहां बढ़ाने के। तरीका नंबर 1 क्या हो सकता है? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचे, ये होती है स्ट्रेटेजी नंबर 1। इस स्ट्रेटेजी का नाम क्या है? ए को क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं ए को? इसमें से कौन सा सिनेरियो तुम्हें मार्केट पेनिट्रेशन वाला लग रहा है? पक्का दिन 8 घंटे नहीं खोलेंगे, कितने घंटे खोलेंगे? जब दिन भर खोले रहेंगे तो हमारा ही प्रोडक्ट बिकेगा, बोलो हाँ या नहीं। ओवरसी एक्सपेंशन मतलब समझो, बाहर जाके किसी और की चेन खरीद ली, मतलब वॉलमार्ट ही खरीद लिया, तो वॉलमार्ट का तो ऑलरेडी मार्केट है, आपको बस ओनर बनना है उसका, वो जो सेल कर रहा है उसका प्रॉफिट आपके पास आएगा, तो वो तो यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे कौन सा आंसर बैच कर रहे हैं? तो ये हो गया ए। अब चेक कर लो ए के साथ सेकंड कौन सा जा रहा है, क्या यही आंसर है? नहीं नहीं नहीं, चेक करो बाकी पॉइंट भी मैच करने चाहिए। अगला सी का मतलब क्या होता है? मार्केट है, प्रोडक्ट सेम है, कौन सा पॉइंट मैच कर रहा है? क्या किया उन्होंने, किस चीज में डील करे थे? सुपरमार्केट, सुपरमार्केट में क्या मिलता है? दाल आटा चीनी, बोलो हाँ। अब वो किस में कूद रहे हैं? अब वो क्लोथिंग भी बेचेंगे, और सुपरमार्केट में अब से आपको इलेक्ट्रिक कैटल प्रेस ये सब भी मिलना शुरू हो जाएंगी, तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई किया है। क्या किया है? नहीं समझ आया? मैं पहले राशन लेने जाता था, अब उसी वाले एरिया में मुझे क्या मिल रहे हैं? कपड़े भी। और उसी एरिया में क्या मिल रहा है? क्या आपको बिग बाजार इजी डे में खाने पीने के आइटम के साथ साथ कपड़े मिलते हैं, बेडशीट वगैरह दिखती हैं? तो उसी जा तो उसी एरिया में रहे हो ना, क्या मार्केट चेंज हो गया? उसी जगह जा रहे हो, उसी जगह पे इसके साथ साथ आपको वो भी मिल जाएगा। तो क्या हुआ? आपने प्रोडक्ट की वैरायटी बढ़ा दी। पहले आपके पास सिर्फ शायद कोई राशन के लिए आता होगा, लेकिन अब किस लिए आ रहा है? उसको इलेक्ट्रिक आयरन परचेस करनी है, उसको जीन्स परचेस करनी है, वो इसलिए आपके पास आ गया, आपकी सेल बढ़ गई। मैं फिर कह रहा हूँ आपको कहीं ना कहीं आके आपको रोकना पड़ेगा। अगर आपने इसको भी बोल दिया डाइवर्सिफिकेशन और इसको भी बोल दिया डाइवर्सिफिकेशन, तो कभी भी इसका आंसर ही नहीं आ पाएगा। बोलो हाँ, तुम देख रहे हो एसएम कैसी है, कुछ समझ आ रहा है तुम्हें? नहीं आया समझ? पहले एसएम बोलेगी दिमाग के धागे खोलो, खोलिए, फिर आपको एसएम बोलेगी अब दिमाग के धागे बंद करो। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप में से किसी को लगता है कि इस पॉइंट का आंसर डाइवर्सिफिकेशन है, डी मतलब क्या होता है? नया प्रोडक्ट नई मार्केट, तो आप मुझे देंगे फोर्थ का आंसर क्या है? ओवरसीज एक्सपेंशन, हम इंडिया से बाहर चले गए और वहां की मार्केट एक्सपेंड कर ली। सिर्फ मार्केट डेवलप किया वहां पे हमने, अमेरिका में क्या सेम आइटम बिकते होंगे जो यहां बिकते हैं?
वहां के सुपर स्टोर अलग होते होंगे, वहां का प्रोडक्ट अलग होता होगा इंडिया के प्रोडक्ट। वहां जाके आप अगर अमेरिकन मार्केट में जाओगे तो वहां पे आपको चावल दाल बिकते हुए नजर आएंगे, मेजोरिटी केस में नहीं। वही मैं कह रहा हूँ, समझाने में कई बार आपको एग्जांपल्स का इशू आ सकता है। क्यों आ सकता है? बिकॉज वैरायटी बहुत लार्ज है, समझने का नजरिया बदल सकता है। तो ओवरसी से ना वो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं कि ज्योग्राफी चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है? ज्योग्राफी। और नहीं, मैंने ऊपर थ्योरी पढ़ाई थी, ज्योग्राफी वाइज, कस्टमर वाइज, आप जो आंसर डिफरेंशिएट कर रहे हो वो कस्टमाइज कर रहे हो कि क्लोथिंग खरीदने वाला बंदा अलग होगा। आप इस नजरिए से सोच रहे हो। और मेरा कहने का मतलब है, अगर तू अनाज खाता है तो कपड़े भी तो पहनता होगा, तो कस्टमर तो वही है। बट अब अनाज के साथ साथ तू कपड़े लेने भी मेरे पास ही आ जा, कहीं और मत जा। तो मैंने अपने प्रोडक्ट लिस्ट की शेल्फ बढ़ा ली है। क्या बढ़ा ली है? ये कुछ ऐसा है, आईजीपी में पढ़ाया जाता था सिर्फ कॉस्टिंग एफएम, आशीष से पढ़ाते थे, उन्होंने ऐड किया विजेंद्र सर को। क्या हो गया? टैक्स के लिए कहाँ जाते हो? कहीं और, यहीं पढ़ लो ना। फिर हर्ष सर को ऐड किया, लॉ के लिए कहाँ जाते हो? कहीं और, यहीं पढ़ लो ना। फिर ईएसएसएम के लिए मुझे ऐड कर लिया, कहीं और कहाँ जाते हो? यहीं पढ़ लो ना। फिर ऑडिट के लिए ऐड कर लिया कपिल सर को, कहीं और क्यों जाते हो? यहीं पढ़ लो ना। क्या कर रहे हम? पढ़ा तो सीए के बच्चों को ही रहे, लेकिन अपनी शेल्फ में क्या ऐड करते जा रहे हैं? नए प्रोडक्ट। अब अगर आईजीपी जाके कनाडा का, जो यहाँ पे पढ़ाई जाती है सीए की कोचिंग, अब कनाडा की किसी चेन को जाके पकड़ लो, वहां क्या पढ़ाए? वहां का सीपीए, तो वहां का सीपीए कोर्स तो अलग होगा ना। ओवरसीज में कहीं भी चले जाओ, मार्केट तो अलग होनी होनी है या नहीं? और इंडिया में चावल बेचोगे, उतने चावल अमेरिका में नहीं बेच पाओगे। अमेरिका में कौन से सामान बेचने पड़ेंगे? जो वहां खाए जाते हैं, वहां के सीरियल्स, वहां की ब्रेड, आपको वहां वो आइटम बेचने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर डी है वो ज्योग्राफिकली बताया गया है, इसलिए इस पॉइंट को हम डी के साथ कनेक्ट करेंगे। किसके साथ कनेक्ट करेंगे? सुपरमार्केट गाड़ियां बेचनी शुरू कर देगा तो वो ऑटो, अब यहाँ पे डाल तो सकते हैं, लेकिन इतना अगर डाल देंगे ना तो बच्चा आंसर ही नहीं कर पाएगा। इसे गाड़ियां नहीं डालेंगे, वो उसे वहीं तक डालेंगे जो दिखता है। किसी को सुपरमार्केट में गाड़ी दिखती नजर आती है? नहीं। बट किसी को सुपरमार्केट में क्या इलेक्ट्रिक कैटल, इलेक्ट्रिक प्रेस मिलती है? इसलिए वो वही एग्जांपल देंगे जो रियलिस्टिक मार्केट में एग्जिस्ट करता है। दैट्स द पॉइंट। और सर, अगर हम सेल कर रहे हैं न्यू प्रोडक्ट इंटरनेट पे तो क्या हो गया? क्या आप एक नई मार्केट में चले गए, लेकिन प्रोडक्ट कैसा है? प्रोडक्ट सेम है, नया है। सेलिंग इट्स न्यू प्रोडक्ट, तो हम नया प्रोडक्ट बेचे तो कहां पहुंचेंगे? नया प्रोडक्ट कहां बेच रहे हैं? इंटरनेट में। इंटरनेट क्या है? एग्जिस्टिंग मार्केट या नई मार्केट? इंटरनेट। मैं फेस टू फेस पढ़ा रहा हूं, मैं इंटरनेट पढ़ा रहा हूं, क्या दोनों में एग्जांपल सेम होंगे अलग होंगे? गणेश कचौड़ी पे कचौड़ी खा लो यहां मिलती है, गणेश कचौड़ी कचौड़ी खा लो लक्ष्मी नगर मिलती है। ये एग्जांपल आपको समझ आ सकता है, क्यों? क्योंकि आप यहीं रहते हो। लेकिन जब ये बच्चे, ये क्लासेस में पेंडे वाले बच्चे को समझा दूंगा तो मेरा जो एग्जांपल होगा वो कैसा होगा? टाटा, रिलायंस, मैगी, वैसलीन, ऐसे वर्डों का यूज करूंगा जो उसको जेनेरिक लेवल पे समझ आए। अब मैं चारों आंसर को यहाँ से रब कर रहा हूँ, आपका मैंने दिमाग खराब कर दिया। आप अपना दिमाग लगाएं और मुझे इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। समझ आया मैंने क्या किया? मैंने हॉचपॉच कर दी चीजें। मैंने बोली कि प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग है, मार्केट एग्जिस्टिंग है, प्रोडक्ट नया है, मार्केट नया है, प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, मार्केट नया है, मार्केट सेम है, प्रोडक्ट नया है। आपको इन चारों को जोड़ना है और इसकी गुत्थी बनानी है, या तो ए में आएगा या बी में आएगा या सी में आएगा डी में आएगा। दो मिनट का समय लो, दिमाग खराब करो, सॉल्यूशन लेके आओ। ब्रश पकड़ना, सब कुछ पुस्किंग कर देना सर, पढ़ो ध्यान से पढ़ना। शुरुआत किसके साथ थी? दिल्ली के साथ। दिल्ली से क्या मतलब है? फेस टू फेस दिल्ली। पहले तो कहीं साइड में लिख लो, ए क्या होता है लिख लो कहीं साइड में, मार्केट पेंटेशन। सी का मतलब क्या है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सॉरी। बी का मतलब क्या है? मार्केट डेवलपमेंट। और डी का मतलब क्या है?
डाइवर्सिफिकेशन, अब जरा उसके हिसाब से चारों में लगाओ, फिर 1 2 3 4 चेक करो और आंसर बताओ, सबको करने दो, अपना रखो संभाल के, अभी सबको करने देते हैं। आपके सारे आंसर मिक्स एंड मैच हो सकते हैं, बस ये ध्यान रखना कि आपको चारों पॉइंट लेके चलने हैं, तभी आप कोई भी एक पॉइंट पे क्लिक कर पाओगे। ठीक, अरे हाँ या ना, पक्का? अब ऐसे में कुछ क्वेश्चंस प्योरली ट्रिक बेस्ड होंगे, इसमें आपको सबसे जो दिक्कत आ सकती है वो दो चीजों में आ सकती है, पहला एक तो नया प्रोडक्ट बेचना इंटेंट में, दूसरा ओवरसीज एक्सपेंशन को हम ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की तरह कवर्ड करें, ओवरसीज एक्सपेंशन को हम ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की तरह कवर्ड करें या सिर्फ एक नॉर्मल कस्टमर एक्सेप्शन की तरह एक्सपेक्ट करें, एंड तीसरा एक्सपेंशन टू क्लोथिंग एंड इलेक्ट्रिकल, ये तो बड़ा सिंपल सा है, किसमें जाएगा, और 24 घंटे खोलना है किसमें जाएगा। अब आपको ये दो पकड़ने हैं, आपको किसमें दिक्कत आ रही है, इसमें और इसमें, अब जरा इन दो को पकड़ लो, इन दो से कौन से आंसर मैच खा रहे हैं? सी, एक तो सेकंड ही है, बोलो हाँ, एक कहाँ कहाँ सेकंड है, क्या पहले में है, नहीं, क्या बी में है, नहीं, क्या डी में है, तो यहां पे हम लगाते हैं ऑड इवन, मतलब एक को पकड़ा उसके बेसिस पे आंसर दिया। दूसरा एक्सपेंशन टू क्लोथिंग एंड इलेक्ट्रिकल, ये कहाँ कहाँ दे रखा है, मतलब ये जो फर्स्ट पॉइंट है किसके साथ कवर्ड है, सी के साथ, सी फर्स्ट कहाँ कहाँ है, वो भी यही है, बोलो हाँ। अब ये आंसर हम गेम में खेल गए, इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं हो सकता। कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि इंटरनेट पे आ रहे हो मतलब आपका मार्केट बदल रहा है, बोलो हाँ। कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि ओवरसीज को हम ज्योग्राफिकली कवर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे मार्केट अलग होगा, कहीं वहां पे मार्केट अलग होगा, तो अलग मार्केट होगा तो प्रोडक्ट भी अलग होगा। लेकिन कोई बच्चा शायद मेरा ही एग्जांपल लेके बैठा हो, सर आप खुद ही बोल रहे थे कि आप गाजियाबाद में हो, आपको दिल्ली के मार्केट में आना है, तो क्या कर लो, IGPU खरीद लो, तब भी तो कमा पाओगे, बोलो हाँ। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कहाँ चेंज करना पड़ा, प्रोडक्ट तो वही थे लेकिन आपने फिर भी क्या कर लिया, तो यहाँ पे हमने ज्योग्राफिक वाइज को कैसे कंसीडर कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन की तरह या सिर्फ मार्केट डेवलपमेंट की तरह। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इंडिया, अभी आपको एक क्वेश्चन कराया था यहाँ पे, ये रहा कि मैं जो प्रोडक्ट बना रहा था, कौन सा, इंडिया में प्रीमियर यूटिलिटी व्हीकल, सॉरी हाँ यही था, इसको लेके कहाँ चला गया, फॉरेन मार्केट में, तो ये क्या था, उस मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं, बोलो हाँ। लेकिन अगर आप नई मार्केट में जा रहे हो तो आपको पता नहीं कि उस मार्केट में प्रोडक्ट क्या बिकता है, तो आपका आंसर यहीं पे क्या हो जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन। तो पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, यानी कौन कौन से पॉइंट, सेलिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट ऑन इंटरनेट और ओवरसीज, ये बड़ा कंफ्यूजिंग टास्क है, बेस बदलेगा तो आपका आंसर बदल जाएगा, तो यहाँ पे आप वहां पे छेड़ेंगे ही नहीं, और आप ट्रिक वाइज सी पॉइंट को पकड़ेंगे कि पहला दूसरा सेम है तो थर्ड और फोर्थ ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। यानी क्वेश्चन ने क्या एजम्पशन लिए है, इस बात को सुनना, क्वेश्चन ने एजम्पशन लिए कि अगर हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं कौन सा, नया, बट कहाँ, तो ये किसके साथ जाएगा, बी के साथ या डी के साथ, उसने बोला नया प्रोडक्ट बेच रहे हो और इंटरनेट क्या है, मार्केट भी नया है, तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे, डी में। अब बी में क्या बचता है, अब जो तीन में चले गया उसने यहाँ पे सोचने की उम्मीद ही छोड़ दो, ऑटोमेटिकली आपका आंसर बी में चला जाएगा। और अगर एक बात फिर से सुनना, अगर किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पॉइंट नंबर 3 ही खत्म होगा, तो ऐसा हो सकता है कि वो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या दे दें, डाइवर्सिफिकेशन। आप तैयार रहेंगे कि सेम आंसर क्या हो सकता है, डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है, अगर थर्ड वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता तो वहां वो ओवर एक्सपेंशन में क्या मानते, कि मार्केट भी बदली, और कि अगर आप गए कैनेडा तो आपको कोर्स भी नया पढ़ाना पड़ेगा और मार्केट भी नहीं सीखनी पड़ेगी।
बट यहाँ पे आपने आंसर दे दिया बिकॉज आपके पास ए था बी था, थर्ड और फोर्थ चल जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने डील कर लिया। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? आपको ऐसे में बहुत इंटरेस्टिंग लग सकता है कॉन्सेप्चुअली वाइज, आपको पढ़ने में मजा आ सकता है, आपको लगेगा कि दुनिया के बारे में कुछ सीख रहे हैं। अगर आपको कंपनी चलानी है तो आपको कंपनी में रखा जाएगा, क्या करें? आप बोलेंगे सर मार्केट को पेनिट्रेट करते हैं, कैसे करोगे? नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज करके कैसे करोगे? सर एग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं, अब से सिर्फ चॉकलेट सिर्फ वैलेंटाइन पे खाने वाले के लिए नहीं, हमेशा खाएंगे, रक्षाबंधन पे डेली। आपने ऐसी मार्केटिंग कैंपेन चलाई, सेल बढ़ गई, आपकी इनकम बढ़ गई। अरे बोलो हाँ, ये प्रैक्टिकली यूज होने वाला सब्जेक्ट है, और प्रैक्टिकली यूज होने वाला सब्जेक्ट की कोई बेस थियोरी नहीं होती, वो बेस बार बार क्या करता है, बदलता रहता है, इसलिए हमें ऑथर के हिसाब से पढ़ना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ते समय आपको मजा बहुत आएगा, लेकिन जब आप इसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको नानी याद आएगी, क्यों? कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। आज आपने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सोचो जब आप ऐसे 22 कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो कितनी कंफ्यूजन होगी। हर कॉन्सेप्ट आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, आई बात समझ? सांस ले लो एक छोटी सी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर घर जाएंगे, फिर छुट्टी करेंगे। सर थक गए, अच्छी बात है, पहले दिन ही थकान महसूस हो जानी चाहिए, बिकॉज पहले दिन अगर कम पढ़ाऊंगा और फिर आप पैसे दे दोगे और फिर नेक्स्ट डे ज्यादा पढ़ाऊंगा तो आप बोलोगे अब मजा नहीं आ रहा, तो पहले दिन ही जितना मजा नहीं आना पहले दिन ही महसूस कर लो। ब्रेक दूंगा, पहली क्लास में बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं चाहता हूं कि आप पहली क्लास में वर्स्ट लेवल को पिक कर लो। अगर तुम इस साहस में बैठ पाए तो जब अच्छा माहौल चल रहा होगा, जब अच्छे टॉपिक्स होंगे तब तुम झेल पाओगे। तो पहली क्लास को इतना डीप कर दो कि बकायदा बच्चा समझ जाए कि किस लेवल की अटेंशन हमें चाहिए। हमने भी पढ़ा क्या, एक टॉपिक पढ़ा, टॉपिक का नाम क्या था? एंड्स ऑफ मैट्रिक्स। जल्दी से बताएंगे कितने कितनी स्ट्रेटेजी थी उसके अंदर? पहली स्ट्रेटेजी किस बात के लेकर थी? मार्केट एग्जिस्टिंग, प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग। दूसरा मार्केट एलिमेंट, वही मार्केट या नया मार्केट लेकिन प्रोडक्ट सेम है। तीसरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब वही प्रोडक्ट लेकिन नहीं, मार्केट वही, प्रोडक्ट नया, डाइवर्सिफिकेशन। अब हम ऐसे चार मैट्रिक्स पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे बीसीजी, एक पढ़ेंगे एनसॉफ, एक पढ़ेंगे एडीएल, एक पढ़ेंगे जी मैट्रिक्स। ये समरी बुक है जो आपको सामने भी दिख रही है, समरी बुक है, इसे एग्जाम कैप्सूल कहता हूं मैं। अब एनसॉफ में मुझे क्या क्या याद रहना चाहिए, आप सिर्फ एनसॉफ पढ़ना बाकी मत देखना, एनसॉफ में क्या क्या याद रहना चाहिए प्लीज वो एक बार चेक कर लो। पढ़ो सबसे पहले क्या याद रहना चाहिए एनसॉफ में आपको, पहली चीज क्या, किसने बनाया ये, ये किस पे बेस्ड है, प्रोडक्ट और सबसे पहले स्ट्रेटेजी क्या है, इसका मतलब क्या है, दूसरा कीवर्ड क्या है, तीसरा मतलब क्या है, चौथा नेक्स्ट अगला वर्ड इसका मतलब क्या है, रिस्क कैसा है, लो नहीं है, मीडियम है, एक्सपेंड कर रहे हैं किसमें, नेक्स्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या मतलब है, रिस्क कैसा है, क्या ऐड कर रहे हैं, डेवलपर न्यू जनरेशन प्रोडक्ट, मोस्टली न्यू जनरेशन के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन क्या है, रिस्क कैसा है, कैसे हो सकता है डाइवर्सिफिकेशन, रिलेटेड भी और अनरिलेटेड भी। अब यहां से शुरू होता है डाइवर्सिफिकेशन का डिटेल्ड वर्जन, जो हम जाके पढ़ते हैं एसएम की बुक में चैप्टर नंबर 4 में। टॉपिक का नाम क्या है, डाइवर्सिफिकेशन, ग्रोथ स्ट्रेटेजी बेस्ड, बट हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी, डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ लो, पहला क्या है वर्टिकल, दूसरा क्या है हॉरिजॉन्टल, तीसरा क्या है कंसेंट्रिक, चौथा क्या है कॉन्ग्लोमेरेट। सुन लो बस, दिमाग मत खराब करना। अब आईसीए की बुक में भी गलती है, अभी तक मैं आपको ये पढ़ा था कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो आईसीए की बुक के अकॉर्डिंगली होगा और वही एग्जैक्टली रट्टा मार के जाना। अब मैं कह रहा हूं आईसीए की बुक ही गलत है इस कॉन्सेप्ट पे आके। तो जब आपको कॉपी मिल जाएगी तो वहां मैं लिखाऊंगा कि डाइवर्सिफिकेशन दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के,
एक होता है आपका वर्टिकल और दूसरा होता है आपका हॉरिजॉन्टल। ठीक, ऐसे एक दूसरा नजरिया है कि डाइवर्सिफिकेशन होते हैं दो टाइप के ऑन द बेस ऑफ रिलेशनशिप। अगर रिलेट कर रहा है तो उसे बोलते हैं कंसेंट्रिक, और अगर अनरिलेटेड है तो उसे बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट। एंड जो कंसेंट्रिक और कॉन्ग्लोमरेट हैं ये हॉरिजॉन्टल के टाइप्स हैं। वर्टिकल के भी दो टाइप्स हैं और उनका नाम है फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड किसके टाइप्स हो गए? वर्टिकल के। और हॉरिजॉन्टल कितने टाइप्स हो गए? कंसेंट्रिक और कॉन्ग्लोमरेट। लेकिन अगर आप यहां पढ़ें तो आपको क्या समझ आता है अकॉर्डिंग टू स्टडी मटेरियल? क्या है, यानी क्या कर दिया उन्होंने? उन्होंने बच्चे को बाप के साथ खड़ा कर दिया। यानी बुलेट पॉइंट कैसे होने चाहिए थे? 1, 2, 2 का A, 2 का B। मेरी बात समझो। वर्टिकल, उसके अंदर दो कौन से, वो यहां दे नहीं रखा। हम पढ़ेंगे अभी, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड। अब ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं। वो कह रहे थे यहां पे हॉरिजॉन्टल के भी दो टाइप हैं, कौन कौन से? लेकिन जब आप ये थियोरी पढ़ते हैं आईसे की बुक से, आप आईसे की बुक से पढ़ रहे हो, आपके सामने कोई टीचर नहीं है, तो जब हम बुक से पढ़ेंगे तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है? डाइवर्सिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं? पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा? तो बुक में ही कॉन्सेप्ट गलत दे रखा है, हम इसको ठीक करके पढ़ेंगे। अगर आपने ठीक करके नहीं पढ़ा तो आपके दिमाग में वही दिक्कतें आएंगी जो इस क्वेश्चन में आ रही थी, यानी आप आंसर को मिसमैच कर बैठोगे। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। टॉपिक का नाम है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं? दो पढ़ा रहा हूँ अभी, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल के दो टाइप पढ़ाऊंगा, हॉरिजॉन्टल के दो टाइप पढ़ाऊंगा और क्लास खत्म। लेकिन टाइप पढ़ाने से पहले मैं आपको रिलेटेड और अनरिलेटेड पढ़ा देता हूँ। क्या पढ़ा देता हूँ? मैं फिर से कुछ नई बातें करूंगा, आपको बस कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। मैंने कहा था कि 2.5 घंटे की क्लास होगी, 1 घंटे बाद दिमाग ठन जाएगा, बोलेगा कितनी देर से ये वो ही बोले जा रहे हैं, आप थक जाओगे। मैं एक बात को इतनी बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि अगर पहली बार मैं मिस कर दोगे तो दूसरी बार पकड़ोगे। और गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये सब्जेक्ट घर जाके तुम नहीं पढ़ने वाले आज। अकाउंट्स वाले सर होमवर्क नहीं दिया होगा? दिया था, कोई क्वेश्चन दिया होमवर्क के लिए FM में? आज सिर्फ डिस्कस किए होंगे फॉर्मूले या कुछ बेसिक्स बातें। नेक्स्ट क्लास से होमवर्क मिलना शुरू होगा और पक्का करोगे उसका, इसका नहीं करोगे। तो मैं एक बात को 6-6 बार दोहराऊंगा, बिकॉज मैं चाहता हूं कि यही सुन लो। मैंने पहली बार कहां बताया डेमो की थ्योरी बुक में, दूसरी बार कहां से गिनाया? एग्जाम कैप्सूल की समरी में से, कि की वर्ड है, इनके बेसिस पे सेंटेंस ड्राफ्ट कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा मैंने समझा जब मैंने क्वेश्चन कराया, चौथा मैंने समझा जब मैंने केस बेस्ड क्वेश्चन किया। तो एक ही चीज को जब 4 बार हमने वैरायटीज में देख लिया तो हमें वो कुछ वर्ड याद हो जाएंगे। ठीक है, गंदी नजरों से मत देखो। टॉपिक का नाम है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं? दो, एक वर्टिकल और एक हम पढ़ेंगे डाइवर्सिफिकेशन। दो टाइप के होते हैं, रिलेटेड। अगर मैं रिलेटेड अनरिलेटेड के हिसाब से देखूं तो एक कौन सा होता है? कंसेंट्रिक। एक कौन सा होता है? ये वाला टॉपिक डिट्टो वैसा टॉपिक है जो मैं लॉ में पढ़ाता हूँ। और आप थोड़ा सा हट के अब आप रिलैक्स कर सकते हो, 1 मिनट के लिए हट के जरा मैं लॉ पे आता हूँ। लॉ में आपने पक्का पढ़ा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटेड, एक होता है एग्जीक्यूटरी। पढ़ा था? फिर एग्जीक्यूटिव में दो पढ़े होंगे आपने, क्या? एक बायलेटरल और एक यूनिलेटरल। मेरी बात सुनना, अगर आपने बायलेटरल यूनिलेटरल नहीं पढ़ा, कोई आपसे कह रहा है मैंने आपको पैसे दे दिए लेकिन अभी तक आपने मुझे सामान नहीं बेचा, बताओ कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? एक बच्चा कह रहा है सर ये यूनिलेटरल है, और एक बच्चा कह रहा है सर ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, क्या दोनों बच्चे सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं ना दोनों, बोलो हाँ। लेकिन अगर आपको ऐसे पढ़ाया जाता कि कॉन्ट्रैक्ट 4 टाइप के हो सकते हैं, एक एग्जीक्यूटेड, एक एग्जीक्यूटरी, एक बायलेटरल और यूनिलेटरल, अब आप आंसर दे पाओगे? क्योंकि यहाँ पे आईसीए ने क्या किया, चारों को एक समान खड़ा कर दिया।
जबकि एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या है कि बायलेटरल कॉन्टेक्ट और यूनिलेटरल कॉन्टेक्ट क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, दोनों का काम करना बाकी है, बायलेटरल एक का काम करना बाकी है। तो लॉ में फिर भी एक बेस होता है, यहां तो बेस ही नहीं है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ किस बेस से पढ़ा रहा हूँ, किसी ऑथर के बेस पे, उस ऑथर ने क्या लिख दिया कि स्ट्रेटेजी कैसी है, चार, बट एक्चुअली में कितनी है। पक्का? चलो ठीक है, मैं पहले पढ़ा रहा हूँ रिलेटेड और अनरिलेटेड से, एग्जाम्पल वही होगा लेकिन कॉन्सेप्ट दूसरा चल रहा है तो आंसर बदल जाएगा। पहले मैं बनाता था कोका कोला, अब मैं बना रहा हूं फेंटा। ये क्वेश्चन अगर एनसॉफ में पूछता तो आपका आंसर क्या होता? प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट वही है लेकिन प्रोडक्ट नहीं है। पक्का? पक्का? अगर यही मेरे क्वेश्चन की हेडिंग है प्लीज मुझे आंसर कीजिए एज पर डाइवर्सिफिकेशन। क्वेश्चन की हेडिंग है, हमें आंसर दीजिए एज पर डाइवर्सिफिकेशन। पहले मैं बनाता था कोका कोला, अब मैंने बनाना शुरू कर दिया फेंटा। क्या दोनों प्रोडक्ट रिलेटेड हैं या अनरिलेटेड है? मतलब जिस मार्केट में ये बिकता है उसी मार्केट में ये बिक जाएगा, तो हम बोलेंगे ये है कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। शायद थोड़ा सा दिमाग अभी खराब ना हुआ तो अब करूंगा, ठीक है। मैं बनाता था मोबाइल फोन, मैंने बनाना शुरू कर दिया लैपटॉप। मैं एनसॉफ के अकॉर्डिंगली पूछ ही नहीं रहा, मैं पूछा हूं एस पर डाइव। पहली बात तो आपको लगना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन क्यों आ रहा है, यहां तो क्या हो रहा है, बस प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोलो। हाँ, क्या मार्केट चेंज हो रही है? जिस मार्केट में ये बिकता है ना उसी मार्केट में ये बिकता है, ये अलग अलग मार्केट बिकता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बोलो। हाँ, पक्का? टैबलेट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ, बोलो। हाँ, प्रोडक्ट मार्केट सेम है लेकिन प्रोडक्ट नहीं है। तो एनसॉफ्ट में पता है क्या बोलते हैं आप इसे, क्या? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। लेकिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट तो मैंने साइड ही कर दिया, मैंने बोला मुझे आंसर बताइए एज पर डाइवर्सिफिकेशन। तो आप बोलेंगे रिलेटेड है, जहां ये बिकता है वहीं वो बिकता है, तो इसे हम बोलेंगे कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। क्या बोलेंगे? थोड़ा दिमाग खराब हुआ भी नहीं हुआ अभी? चल सही चल रहा है, लग रहा है थोड़ा कंफ्यूजिंग। ऑथर बदल जाएगा ना तो एग्जाम्पल्स के वैरायटी के आंसर बदल जाएंगे। पेप्सी कोका कोला छोड़ो, पहले मैं बनाया था क्या मोबाइल में ना कांच लगता है, फाइबर लगता है, तो मुझे फाइबर बनाने की बड़ी आदत लग गई, अब मैं ग्लास भी बनाऊंगा। अगर आप एनसॉफ्ट में उठे तो आप बोलते नई मार्केट नया प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, लेकिन मैंने डाइवर्सिफिकेशन तो शुरुआत की है, मैंने कहा कौन सा डाइवर्सिफिकेशन, आप बोलोगे कोई रिलेशन नहीं है, तो आप बोलेंगे कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। अब शायद आपको वो एग्जाम्पल समझ आ रहा हूं, एक इंसान होटल इंडस्ट्री में था और पनीर दूध बेचने निकल गया, पनीर मतलब डेयरी प्रोडक्ट बेचने निकल गया, कैस क्या है वो? एज पर एनसॉफ डाइवर्सिफिकेशन, बट एज पर डाइवर्सिफिकेशन डिटेल, डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ के अंदर पढ़ रहे हैं, ग्रोथ कभी फ्यूचर में पढ़ेंगे, डाइवर्सिफिकेशन के अकॉर्डिंगली क्या है? कॉन्ग्लोमरेट, बिकॉज इन दोनों में कोई रिलेशन, वर्ड वही रहेंगे, एग्जाम्पल वही रहेगा, क्वेश्चन जिस नजरिए से पूछ रहा है आपका नजरिया बदल जाएगा। मैंने शुरुआत में ही बोला था एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर दो लोगों के बीच प्राइस डिसाइडेड नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, बट एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट रीजनल पैसा देना पड़ता है, एक्ट बदल जाएगा आंसर बदल जाएगा। या ये भी नहीं पता था तुम्हें? पता था? पक्का? पक्का ना? आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा ज्वाइंट प्रॉमिस, और पार्टनरशिप पढ़ा होगा ज्वाइंट एग्रीमेंट, अगर पार्टनरशिप में कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता था तो उसका पैसा कौन भरता था? बाकी पार्टनर, किस रेशो में? नहीं, भूल गए तुम, कैपिटल स्टैंडिंग रेशो में, गाना वर्सेस मरे की केस स्टडी लगती थी। लेकिन अगर मैं कहां पे बात कर रहा हूं इंडियन कॉन्टेक्ट में, तो वहां जॉइंट प्रॉमिस पड़ा होगा, इक्वली पे करेंगे सॉल्वेंट पार्टनर। एक्ट बदला, आंसर बदला, यहां एक्ट नहीं है, यहां किसने दिए थियरीज? ग्रोथ आ गया तो ग्रोथ के अकॉर्डिंगली आंसर चलेगा, एनसॉफ आ गया तो, बस ये ध्यान रखना है।
और जब तक आप पूरा एसएम पढ़ोगे, हम बहुत थियरीज पढ़ चुके होंगे, यानी जब एक टॉपिक पता होता है ना, तो हमें पता है ये पढ़ा यही आंसर है, यही पढ़ा यही आंसर है, लेकिन जब 20 थियरी 25 थियरीज पढ़ेंगे तो एग्जाम में बैंड बजती है। वहां हमें लगता है सर एसएम तो छोड़ रहा हूँ ये हो जाएगी क्या फिर जब ईएएस का जो नेक्स्ट लेक्चर डेमो का दूंगा ईएएस का, तो आपको समझ आएगा सही कहते हैं बच्चे, इसको पास करना इतना आसान टास्क नहीं है, बिकॉज ये मांगता है मेहनत और दूसरा मांगता है आपका लगाव। आप ऑलरेडी इसके साथ लगाव नहीं रखते, आपको लगता है इसका सीए के साथ लेना देना क्या है, बट एक्चुअली में सीए के लिए आपका एक पोर्टफोलियो ओपन कर रहा है। ये कह रहा है कि अगर आप ईएएस एसएम भी पढ़ेंगे ना, तो आपकी जिंदगी में चार चांद लग सकते हैं। जितने भी बीटेक वीटेक वाले हैं एट द एंड क्या कर रहे होते हैं, एमबीए। बीटेक वालों को एमबीए समझ आती है? उन्होंने एमबीए जाके कब पढ़ी? पीजी में, यानी 11th में पढ़ी साइंस, 12th में पढ़ी साइंस, फिर 4 साल पढ़ी बीटेक, फिर जाके पढ़ा एमबीए। तो एमबीए में सब कुछ समझ आएगा? एमबीए में अकाउंट्स पढ़ते हैं, पल्ले पड़ेगा कुछ? और तुम कब से पढ़ रहे हो ये सब? 11th 12th ग्रेजुएशन। तो ज्यादा अच्छी एमबीए किसको आनी चाहिए? लेकिन आप देखेंगे मार्केट में जितने भी मैनेजमेंट लेवल के एमबीए करके बैठे होंगे, इवन आईआईएम में जितने भी जाते होंगे, वहां 80-70% बच्चा साइंस साइड का होता है। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपके लिए सब्जेक्ट ईएएसएसएम इसलिए डाला गया कि सीए में ना आपका स्कोप बढ़ाया जा सके। आप आज के टाइम में, एक जमाना होता था कि हम ऑडिट करने जाते थे तो हम ना पैसे लेते थे, हमारा सर हमें बोलता था जाओ मुंबई में बुक्स रखी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जाके क्या करो रजिस्टर्ड ऑफिस में जाओ, उसकी बुक्स चेक करके आओ, क्योंकि आपने कंपनी एक्ट में पढ़ा होगा कि बुक्स कहाँ रखी जाती हैं। लेकिन आपने नया लॉ पढ़ा होगा रजिस्टर्ड ऑफिस में भी रख सकता है, या रजिस्टर्ड ऑफिस के कंप्यूटर में वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, डेटा आप क्लाउड में भी रख सकते हो XBRL फॉर्मेट में, बट वो विजिबल होना चाहिए, कॉन्स्पिशियस करेक्टर में दिखना चाहिए। यानी आज के टाइम में हम सर से कहते हैं सर हम मुंबई जाएं, हम ऑडिट करने जाएं, वो कहता है यहीं बैठो, आईडी डालो, पासवर्ड डालो, मुंबई का बुक्स ऑफ अकाउंट्स तुम्हारे लैपटॉप पे दिख रहा है। ऑडिट करते समय अब वो मजा नहीं है, पहले क्या मजा होता था, घूमने को मिलता था, आजकल क्या हो गया है, अब आप पीडब्ल्यूसी की कंपनी के अंदर ही बैठे हो, वहीं बैठे बैठे मुंबई का ऑडिट कर रहे हो, अब आपको मुंबई घूमने को नहीं मिलता। कंपनी को इससे फायदा है नुकसान है? क्योंकि ये सारे खर्चे ऑडिटर अपने खर्चे में डाल देता था, 10 लाख फीस, 5 लाख हमारे स्टाफ का रहने आने का खर्चा, अब 5 लाख का पैसा बच रहा है किसका? तो कंपनी क्या करेगी, मैनुअल अकाउंट्स मेंटेन करेगी या क्लाउड पे रखेगी? क्लाउड पे रखेगी। तो आपको क्लाउड पता तो हो तभी तो क्लाउड का ऑडिट करोगे, क्लाउड ही नहीं पता तो ऑडिट क्या घंटा करोगे। इसलिए सब्जेक्ट डाला ईआईएस, लेकिन बच्चा नफरत करता है, बच्चा कहता है मैं जिंदगी में ईआईएस नहीं सीखूंगा, समझ ही नहीं आता ना, पढ़ के याद ही नहीं होता, मैं नहीं सीखूंगा। और इसी वजह से सीए का जो स्कोप है डे बाय डे क्या हो रहा है, बिकॉज आपको क्लाउड को ऑडिट करने के लिए एक बीटेक वाले बंदे से हेल्प लेनी पड़ती है, और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन कंपनीज अकाउंट में सीए का शायद नाम हट जाए या सीए के साथ स्लैश लगा के सीएस भी जुड़ जाए। तो आपकी डिग्री को मेंटेन रखने की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी इज्जत किससे है, आईसीए की डिग्री से या कंपनीज अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 10 में लिखा हुआ वर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट से? काम क्या लॉयर भी करते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ सीए कर सकता है? क्यों? बिकॉज कहां पे मिली हुई है औकात? कंपनीज एक्ट का चैप्टर 10 ऐसा कहता है, कल कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आ जाए सीए हट गया सीएस आ गया, क्या करोगे तुम अपनी डिग्री का? इसलिए अपनी डिग्री को ना वर्सेटाइल करके रखो, डाइवर्सिफाई करो। मुझे अकाउंट्स भी आती है, मैं अकाउंट्स का काम भी संभाल लूंगा, मुझे मैनेजमेंट भी आती है, मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी संभाल लूंगा, और अगर मुझे आईटी डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाए तो मैं उसके भी कोडिंग सीख सकता हूँ, मैं उसमें भी अपना डेटा साइंस, ब्लॉकचेन, क्रिप्टोकरेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर रखता हूँ, मैं वहां भी घुस सकता हूँ। तो आपका वैरायटी ऑफ नॉलेज जितना बढ़ेगा, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अगर इस इंटेंशन से पढ़ सकते हो तो ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। रट्टे मारना है, आंसर सॉल्व करना है, तो इससे बोरिंग सब्जेक्ट कुछ नहीं है। और आईसीए ने सब्जेक्ट को रखा इसलिए ताकि वो फेल कर सके। अब तुम देख लो तुम्हें पास होना है कि नहीं होना। हमने पहला टॉपिक पढ़ा कि दो टाइप के डिफरेंस हो सकते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटेड, एक ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल थ्योरी। अगर नॉर्मल थ्योरी में जाए तो डाइवर्सिफिकेशन दो टाइप के होते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। लेकिन अगर हम किस में जा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन नॉन रिलेशन, तो डाइवर्सिफिकेशन के दो टाइप हो सकते हैं। कैसा कैसा?
एक कंसेंट्रिक एक कॉन्ग्लोमरेट। कंसेंट्रिक का मतलब क्या है, जिसका पहले के साथ लेना देना है। अब रट्टा मरवाऊंगा कुछ, कंसेंट्रिक का पहला वर्ड क्या हो गया कि रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है। कैसा डाइवर्सिफिकेशन है? दूसरा ध्यान से याद कर लेना, यहाँ पे मेरा पहला प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मैच करना चाहिए, रिलेट करना चाहिए। कैसे कैसे? प्रोसेस वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज या मार्केट वाइज। यानी मेरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, पहले मैं क्या बनाता था, मोबाइल फोन, अब मैं क्या बना रहा हूँ, लैपटॉप। आप मुझे बताएंगे क्या दोनों में मोर और लेस सेम टेक्नोलॉजी यूज होती है? हार्ड ड्राइव, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, क्या दोनों में सेम सेम सी चीजें हैं? यानी दोनों की क्या टेक्नोलॉजी सेम है? तो मोबाइल के बाद लैपटॉप बनाया कैसी डाइवर्सिफिकेशन? कंसेंट्रिक। कैसी डाइवर्सिफिकेशन? मैं मोबाइल बनाता था, मैंने ग्लास बनाना शुरू कर दिया। पहला सवाल, क्या दोनों एक ही मार्केट में मिलते हैं? नहीं ना। क्या दोनों को बनाते समय टेक्नोलॉजी सेम है? क्या दोनों को बनाते समय उसका प्रोसेस सेम है? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे इसको? अरे क्या बोलेंगे? कॉन्ग्लोमेरेट। जहां पे ना तो प्रोसेस वाइज, ना टेक्नोलॉजी वाइज और ना ही फंक्शन प्रोसेस वाइज कोई कनेक्शन नहीं है तुम्हारे मेरे बीच, तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। इसी का दूसरा नाम क्या है? अरे क्या नाम है? कॉन्ग्लोमरेट। तीन वर्ड पकड़े आपने, पहला वर्ड क्या पकड़ा? प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, फंक्शन या मार्केट। अगर आप प्रोसेस, टेक्नोलॉजी वाइज, फंक्शन वाइज, मार्केट वाइज मैच नहीं करते तो आप कॉन्ग्लोमरेट हो, और मैच करते हो तो, ये बात समझ आ गई? अगर आपसे पूछा ना कि कौन सा डाइवर्सिफिकेशन, तो आपको कॉन्ग्लोमरेट ही देना है। रिलेटेड तो उसकी रिलेटेड उसका नेचर हो गया। आप क्या कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो? तो सॉरी मैं बाबा लॉक एग्जांपल्स घुसा देता हूँ। वेजरिंग एक नेचर है किसका, बट है तो वेजरिंग ही ना। तो ऐसी हम क्या बोल रहे हैं, इसका जो नाम है वो क्या है? कॉन्ग्लोमेट। लेकिन नेचर कैसा है? रिलेट नहीं करता। अरे बोलो हाँ। तो रिलेट नहीं करता तो हम क्या बोल सकते हैं? अनरिलेटेड। कैसे कैसे रिलेट नहीं करता? वो तीन वर्ड पकड़ लो, पहला प्रोसेस वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, मार्केट वाइज, फंक्शन वाइज। अगर इन वजहों से हम रिलेट नहीं करते तो भाई तू ना कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, और रिलेट करते हैं तो कंसेंट्रिक है। इतनी सी बात समझ आ रही है? पक्का? अब जरा आईसे ना मजे लेता है, और आईसे बोलता है कि प्लीज मुझे थोड़ा सा मजे लूं आपसे, थोड़ा और डीप लेके जाऊं। अब जो मैं अगली बात कह रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। मैं 2009 से पढ़ा रहा हूँ, यानी मैं तब से पढ़ा रहा हूँ जिस दिन पहली बार एसएम सब्जेक्ट आईसे की बुक में इंट्रोड्यूस किया गया। 2008 में पहली बार एसएम सब्जेक्ट आया गया था, उससे पहले 100 मार्क का सिर्फ आईटी था। फिर एसएम घुसाया गया और क्या कहा गया, 50 का आईटी, 50 का एसएम। फिर आईटी का नाम चेंज किया गया और क्या कहा गया, ईआईएस। ईआईएस में उन्होंने कुछ नहीं किया, सीए फाइनल से इसका हटाया और सीए फाइनल का पूरा सब्जेक्ट उठा के जो 100 मार्क का था वो इंटर में 50 मार्क्स कर दिया। सोच रहे हो कितना मजा ले रहे हैं तुमसे विनोद? मतलब पूरा फाइनल का उठा के कहां डाल दिया, इंटर में, और वो भी कितने का, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुम, कर लोगे ठीक है, और 50 नंबर की एसएम। तो मैं थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। 2016 तक हमारी बुक में सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन था। क्या था? 2016 के बाद एक नया वर्ड आईसीए ने इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम था मर्जर एंड एक्विजिशन। अब जैसे ही नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया ना, आईसीए को अपनी बुक चेंज कर लेनी चाहिए थी। आईसीए कहता था डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, कि हम किसी नए मार्केट में, किसी नए प्रोडक्ट में घुस रहे हैं। मैं एमसॉफ के अकॉर्डिंगली बात नहीं कर रहा, मेरा कॉन्सेप्ट किस पे चल रहा है, डाइवर्सिफिकेशन पे, कि मैं किसी नए मार्केट, किसी नए प्रोडक्ट में कूद रहा हूँ। हाँ सुन रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं किसी नए मार्केट, किसी नए प्रोडक्ट में कूद रहा हूँ। कूदने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप खुद से नया प्रोडक्ट बनाओ, नए मार्केट में कूदो, या फिर बैठी बैठाई मार्केट को क्या कर लो, एक्वायर। अरे बोलो हाँ,
पहले डाइवर्सिफिकेशन की डेफिनेशन इतनी बड़ी थी, लेकिन 2016 में एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया, किस नाम से? मर्जर एंड एक्विजिशन के नाम से। अब मुझे बताओ क्या डाइवर्सिफिकेशन की स्पेलिंग, क्या डेफिनेशन चेंज होनी चाहिए? अब डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? अब डेफिनेशन चाहिए कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है मैं खुद जा रहा हूँ, एंड मर्जर एक्विजिशन का मतलब क्या है, मैं बैठी बैठाई कंपनी को एक्वायर कर रहा हूँ, यही होनी चाहिए। अभी नीचे देख लो, नीचे ना कुछ और भी दे रखा है, क्या टाइप्स ऑफ मर्जर या टाइप्स ऑफ एक्विजिशन कौन कौन से हैं? अब आपको लग रहा होगा को जेनरिक क्या नई बात है, जरा अंदर के अंडरलाइंस पढ़ो, को जेनरिक का मतलब पढ़ना। मजा नहीं आना चाहिए तुम्हें, को जेनरिक का ही मतलब क्या होता है? कंसेंट्रिक, महान बात कर दी इन्होंने, नहीं आया समझ, क्या सिखा, क्या दिखा दिया, क्या इसका नाम कंसेंट्रिक मर्जर हो सकता था? लेकिन जिसने ये थियरी बनाई ना, मेरी थियरी है, मैं रखूंगा को जेनरिक, याद कर, मेरे को तो बनाना है ना, याद तो तुम्हें करना है, करो याद। अच्छा, ये मर्जर इक्वेशन के टाइप्स हैं। अब एक बहुत बड़ा ब्लंडर दिखाऊंगा, ब्लंडर एग्जांपल पढ़ो, किसके अंदर पढ़ा रहा हूँ एग्जांपल, बस थोड़ा सा योगदान दे दो, बस थोड़ा सा एग्जांपल पढ़ा रहा हूँ किसके अंदर, अरे बोल दो, मत आना कल, अभी तो बोल दो। क्या है टॉपिक का नाम? अब एग्जांपल पढ़ो, डाइवर्सिफाई इनटू मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इसके, अच्छा एक और था, एक हॉरिजॉन्टल का एग्जांपल पढ़ो, ये वाला, वर्ड क्या यूज हो रहा है, टॉपिक का नाम क्या है, सोचो अगर एमसीक्यू आए, प्रोड्यूसिंग कॉम्प्लीमेंट्री या बाय प्रोडक्ट टेकिंग ओवर कंपेटिटर, हमने कंपेटिटर के प्रोडक्ट को खरीद लिया, एक्वायर कर लिया, बताओ ये क्या है? नीचे ऑप्शन दे रखा हो, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन या आंसर बताओ क्या होगा, तुम बताओ, अगर आईसीए को गवाह माने तो आंसर क्या होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली जाए, ये मर्जर होना है ना, तुम कंपेटिटर खरीद रहे हो, बोलो हाँ एक्वायर कर रहे हो, तो क्या आंसर होना चाहिए, मर्जर इक्वेशन। अब तुम देख लो मजे क्या आएंगे, तुम क्या लिख के आओगे। तो ये आईसीए से गलती हो गई, 2016 के बाद आईसीए को वहां से वो एग्जाम्पल खत्म कर देना चाहिए था, और वो एग्जाम्पल कहाँ जोड़ देना चाहिए था, लेकिन आपको पता है आईसीआई अपनी गलती नहीं मानता, तुमने गलत आंसर कर दिया जीरो दे देगा, लेकिन आईसीआई अपनी गलती नहीं मानेगा। अब ऐसे में आपका सहारा कौन, जो मैं कह दूं, मतलब आप जिस भी टीचर से पढ़े, वो टीचर जो आपको पढ़ा दे बस वही आपका सहारा है, तो आपको ना उसके सहारे पे टिके रहना पड़ेगा। तुम्हें कुछ समझाया, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? एग्जाम्पल क्या सही जगह लिखा है, गलत लिखा है? टेकिंग ओवर वर्ड नहीं आना चाहिए, हट जाना चाहिए, क्यों? टेकिंग ओवर वर्ड जैसे कहाँ वर्ड आएंगे यहाँ पे, मर्जर में, और यहाँ आएंगे वो वर्ड, ऊपर नहीं आएंगे, बट गलती क्या हो गई? अगर आपने एक टॉपिक के बाद एक नया टॉपिक जोड़ा है, तो आपको उसके एग्जाम्पल भी चेंज कर देने चाहिए, जो आईसीआई ने नहीं किए। तो कोई बच्चा सिर्फ ये बुक पढ़ के जाए तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा कि सर टेकन ओवर मर्जर होता है या टेकन ओवर, अब आपको पता है डाइवर्सिफाई मतलब खुद जाना, और टेकन ओवर मर्जर मतलब बैठी बैठाई को एक्वायर करना या उसके साथ जुड़ जाना। आई बात समझ? खैर वापिस आए, हमने पहला क्या पढ़ा, कंसेंट्रिक, बताओ कंसेंट्रिक में क्या लिख के आओगे जो आपको मार्क्स मिलेंगे, पहला वर्ड क्या, दूसरा क्या लिख के आओगे, सेम प्रोसेस, सेम टेक्नोलॉजी, सेम मार्केट से मैच करता है, हाँ हाँ। वही कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब क्या है, अनरिलेटेड, दूसरा कोई कनेक्शन नहीं है ना तो प्रोसेस वाइज, कंसेंटिंग याद कर लो, उसके आगे नो नो लगा दो, सब क्या बन जाएगा,
कॉन्ग्लोमेरेट। अब अगर आईसीए आपसे डिफरेंस पूछता है डिफरेंस बिटवीन कंसेंटिंग एंड कॉन्ग्लोमेरेट तो क्या लिख के आओगे? अच्छा पहले तो ये बताओ कैसे लिख के आओगे? ऐसे ऐसे क्या डिफरेंस ऐसे लिखना चाहिए? कंसेंट्रिक कॉन्ग्लोमरेट, कौन कौन कह रहा है ऐसे डिफरेंस लिख के आना चाहिए? अभी तुम बहुत अच्छे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट हो रहे हो, बहुत प्यार से बात कर रहे हो, एग्जाम से दो दिन पहले तुम मेरा दिमाग खाओगे। सर मैंने यूट्यूब पे एक बंदे की वीडियो देखी, गुस्सा तो मेरा वहीं शुरू जब मैं इसे पढ़ रहे हो तो किसी और की वीडियो क्यों देख रहे हो? लेकिन दुनिया है जो फ्री का मिल रहा ले लो जा क्या रहा। जब देखोगे तो वो टीचर तुमसे बोलेगा मार्क्स ना ऐसे ही मिलते हैं, उसे अपना इम्पैक्ट क्रिएट करना है, उसको यूट्यूब पे वीडियोस के व्यूज बढ़ाने। वो क्या बोलेगा एक बच्चे की कॉपी दिखा रहा हूं मैं, उसको मार्क्स कब मिले जब उसने टी फॉर्मेट में लिखा। फिर आप अगर दो तीन वीडियो और सर्च मारोगे ना तो एक दूसरा टीचर ये भी बोल रहा होगा इसके मार्क्स क्यों कटे बिकॉज इसने टी फॉर्मेट में लिखा। ऐसे ही अपनी बात पे स्टिक नहीं रहता। मैं आपको सेशन दूंगा कि आप किस आप वही अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे जैसा जैसा आईसीए की बुक में है। क्या बोल रहा हूं मैं, आप डिफेंस का आंसर कैसे देंगे और आईसीए की बुक में कैसा डिफेंस है तो आपको भी कैसे करके आना पड़ेगा। अब आईसीए का किसी क्वेश्चन का आंसर टी फॉर्मेट में होगा तो उसका कैसे करके आना होगा? ये मैं बच्चों को फाउंडेशन में सिखा देता हूँ। क्लास में कोई बच्चा अगर यूट्यूब पे जा रही ना ये क्लास, ठीक है बोल ही देते हैं, क्लास में कोई बच्चा बिकिनी पहन के आ गया तो क्या सब लोग उसे थोड़ा अलग दृष्टिकोण से देखेंगे? क्या वो बच्चा बिकिनी पहन के तभी बैठ सकता है जब वो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट है? वो दिशा पटानी है, वो कहीं भी जा सकता है बिकिनी पहन के, तो वो कंफर्टेबल है। अगर वो शाय किस्म का बंदा है लोग उसे देखेंगे वो असहज महसूस करेगा और जहां असहज महसूस हुआ वहीं पे तो ट्रोल करने का ऑप्शन है। तो आप अपना आंसर वैसे ही लिखें जैसा सबने लिखा है और सब कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे जो आईसे का फॉर्मेट है। अगर फॉर्मेट सेम होगा तो कॉपी चेकर ऊपर ऊपर से देखेगा और मार्क्स दे देगा। लेकिन अगर आपने कहा नहीं मैं तो यूनिक हूं, जहां आपने यूनिकनेस दिखाई वो आपकी कॉपी को झांकेगा, बिकनी पहन गया हो ना, लोग आपको देखेंगे और जहां आपको देखेंगे वहीं पे स्कोप है गलती ढूंढने का। तो मेरा सजेशन ये है कि आप उसी फॉर्मेट को यूज करके और जो फॉर्मेट आईसीए की बुक में आपको कुछ एक्सप्रेस करना है, मैंने लिखा ही है उसे अंडरलाइन कर देना बस तो दिख जाएगा अलग। लेकिन वही कपड़े पहनना जो भेड़ चाल में सब पहन रहे हैं, अलग पहनोगे तो अलग दिखोगे, अलग दिखोगे तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। अब डिफरेंस कैसा पकड़ते हैं बिना थ्योरी को देखे डिफरेंस बताएंगे। पहला डिफरेंस आप क्या ढूंढ सकते हैं? कंसेंट्रिक रिलेटेड है, कॉन्ग्लोमेरेट अनरिलेटेड है। एक मार्क आ गया, एक पैराग्राफ खत्म। दूसरा, कंसेंट्रिक रिलेटेड है प्रोसेस वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, मार्केट वाइज। कॉन्ग्लोमेरेट अनरिलेटेड है प्रोसेस वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, मार्केट वाइज। मतलब कॉन्ग्लोमेरेट में ऐसा कोई लिंकेज नहीं है। क्या लिंकेज नहीं है? ना तो प्रोसेस वाइज लिंक्ड है ना टेक्नोलॉजी वाइज। और क्या डिफरेंस हो सकता है? देखो स्टडी मैट में इतना ही था, जो आपको कंटेंट पढ़ाया ना उसमें इतना ही तो लिखा था। तीसरा एग्जांपल दे दोगे घटिया सा, बोलो हाँ। मोबाइल फोन के साथ लैपटॉप बना रहे हैं कंसेंट्रिक, मोबाइल फोन के साथ ग्लास बना रहे हैं कॉन्ग्लोमेट, तीन हो गए। और क्या दे सकते हो? रिस्क क्या? ये पढ़ के मत बोलियो, अगर पढ़ लिया तो मत बोलना प्लीज। कंसेंटिंग मीडियम रिस्क है। क्या हमारी पूरी थियोरी में कहीं रिस्क की बात हुई है? मुझे बताओ, एक बार पढ़ लो। पहले मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ कॉन्ग्लोमरेट और कंसेंट्रिक। प्लीज एक बार कंसेंटिक थॉरली पढ़ लो, पढ़ो एक बार ध्यान से, थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना। आई नो तुम्हारा एनर्जी लेवल डाउन है बट पढ़ने की कोशिश करना प्लीज। डेली यही रहेगा तो आज से आदत डाल लो। इसलिए मैं खुद ही नहीं बैठता चेयर पे, मैं ही बैठ गया तो तुम तो बैठ ही जाओगे, तो मुझे खुद को एनर्जेटिक रखना पड़ता है। पढ़ो ये पार्ट मत पढ़ना बिकॉज यहाँ वो डिफरेंस बिटवीन करने आ गया किसके साथ, और वर्टिकल अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, वर्टिकल अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। तो एक कंपनी क्लोथ बनाती थी, अब वो कहाँ जा चुकी है?
प्यूमा पहले टी शर्ट्स बनाती थी, प्यूमा अब क्या बना दिए, क्या है वो एनसॉफ के अकॉर्डिंग नहीं, डाइवर्सिफिकेशन के अकॉर्डिंग, क्या जहां शर्ट्स बिकती है क्या वहीं जूते भी बिक जाते हैं, कैसे मैच कर दिए मार्केट वाइज, प्रोसेस वाइज या टेक्नोलॉजी वाइज, टेक्नोलॉजी दोनों की अलग है, प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों का अलग है, क्या सेम है मार्केट, जिस शोरूम में टी शर्ट बिक जाती है वहीं पे जूते भी, दोनों का मार्केट एक है, एप्पल्स मार्केट। हाँ 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 पक्का, कॉन्ग्लोमेट पर डालो जल्दी से। अरे ठीक है, फंक्शन मार्केट सेम है, चार वर्ड। नहीं 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 मैं तो बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। इतना चल जाता है, इतना चल जाएगा। क्या और कोई डिफरेंस का फीचर नजर आया? आपने तीन फीचर दिए, तीन चीजें दी, पहला एग्जांपल, दूसरा रिलेटेड नॉलेटेड, और तीसरा कोई लिंक है प्रोसेस टेक्नोलॉजी मार्केट वाइज, दूसरे में लिंक नहीं है प्रोसेस टेक्नोलॉजी मार्केट वाइज, क्या कुछ और दिख रहा है सोचो, आईसे की बुक में होगा आंसर। अब बच्चा ना स्टडी मटेरियल से इतना पढ़ के गया, आईसे ने क्वेश्चन क्या पूछा, डिफरेंस बिटवीन कंसेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमरेट, बच्चा यही लिख के आ गया, आईसे कह रहे तीन में से दो मार्क्स, आप कह दो क्यों बदतमीजी किस बात की, एक मार्क किस बारे में काटा, सब कुछ सही तो लिखा है, आईसे कहता है नहीं तुम्हारा आंसर हमारे दिए हुए आंसर से मैच। अब आईसे ने अपने आंसर में थर्ड पॉइंट और जोड़ दिया, ये ऊपर था नहीं, ये सच में ऊपर नहीं था, ये मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मतलब थर्ड डिफरेंस खुद सोचो, कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन वहां करते हैं जहां हमें लगता है इस मार्केट में बूम ही बूम है, मुझे लगता है फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स बिकेंगे, मैं क्या करूंगा, मोबाइल बनाया क्या बनाऊंगा, लैपटॉप बनाया क्या बनाऊंगा, टैब बनाऊंगा क्या बनाऊंगा, जीबी स्टोरेज के लिए कोई डेटा बनाऊंगा, सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, ये सब क्या है, मैच करते हैं बोलो। हाँ तो जब मैं इन्हीं प्रोडक्टों के इर्द गिर्द घूम रहा हूं, इसका मतलब क्या है, अरे क्या है इसका मतलब, कंसेंट्रिक। लेकिन अगर मुझे लगता है, जैसे आशीष सर को लगता है कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत बूम है, तो आशीष सर कह रहे हैं कि अब हम सीए फाउंडेशन ही क्यों, अब हम ट्वेल्थ की कोचिंग भी दिया करेंगे, ट्वेल्थ में पटा फाउंडेशन में आया, फाउंडेशन में पटा इंटर में आया, इंटर में पटा फाइनल पढ़ाएंगे, मस्त ही मस्त। उन्होंने ऐसा सोच के ट्वेल्थ की स्ट्रीम में ऐड कर दिया सपोज, या सीएस ऐड कर लिया, सीएम ऐड कर लिया, क्या तीनों की मार्केट सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, क्या प्रोसेस भी सेम है पढ़ाने का, बोलो हाँ। लेकिन अगर किसी को लगता है कोचिंग इंडस्ट्री में कुछ नहीं रखा, बच्चा आजकल पढ़ना ही नहीं चाहता, एक तो पेनड्राइव और गूगल ड्राइव आ गई है, बच्चा सब्सक्रिप्शन ले लेता है, गूगल ड्राइव पेनड्राइव खरीदता है, घर पे पढ़ता है नहीं पढ़ता वो बात की बात है, लेकिन आपका प्रोडक्ट बिक गया, बच्चा सीए बने ना बने आपका प्रोडक्ट तो बिक गया, तो फ्यूचर ना सीए का खत्म हो जाएगा ऐसे अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं, और क्या प्रमोट होगा, कॉलेज। आज के टाइम में बीबीए करने वाला बच्चा, बीबीए में होता क्या है, घटिया घटिया सब्जेक्ट है, और बीबीए करने वाला बच्चा एक प्राइवेट कॉलेज में 6-7 लाख रुपए फीस भरता है 3 साल की, और उसके फिर प्लेसमेंट हो जाता है 10-15 लाख का, और यहाँ बच्चा सीए करने के पता भी नहीं सीए होगी कि भी नहीं, इतनी मेहनत करने के बाद 6-7 साल लगाने के बाद भी उसका पैकेज लगता है कभी कभी 6 लाख का, तो बड़ा उसे हीन आत्मग्लानी महसूस होती होगी, क्या उखाड़ लिया मैंने ये दो प्रीफिक्स लगा के, जब मुझसे ज्यादा बीबीए वाला कमा रहा है, ये एक प्रैक्टिकल सिनेरियो है, इसको दिल पे मत लेना, हालात यही हो रहे हैं। तो बीबीए वाले ने ऐसा क्या सीखा जो तुमने नहीं सीखा, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी है, आपकी जीरो है, तुमसे कुछ बोलूंगा बोला नहीं जाएगा तुमसे, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स 3 साल में क्या करवा दी है, सुपर ऑसम, बिकॉज हर साल हर 6 महीने में हर 2 महीने में क्या करना है, आज ये फेस्ट कल वो फेस्ट, कल ये प्रोग्राम कल वो प्रोग्राम, आज पीपीटी प्रोग्राम, आज ये आ रहा है कल वो आता है, उसे ये सब सीख जाता है वो, और जॉब में करने क्या होता है, जी सर, हाँ सर, यस सर, वो करो ये करो, उसे यही सीखना है जिंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में यही काम आना है, समझ हो क्या कह रहा हूँ, वापिस है। तो चौथा डिफरेंस क्या है, चौथा सर कंसेंट्रिक ना वो लोग करते हैं जिनको क्या लगता है, आशीष सर को लगता है कि सीए को मतलब कॉमर्स कोचिंग में बहुत स्कोप है, तो क्या कर रहे हैं, सीए खोल दिया, फिर सीएस, फिर सीए में, इनको यहाँ लगता है, मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में ज्यादा बूम नहीं है, तो मैंने ऋषभ गौर कोचिंग के साथ साथ, मैं कोचिंग के साथ साथ मेरा खुद का रेस्टोरेंट भी है, कोचिंग और रेस्टोरेंट प्रोसेस वाइज सेम है, अलग अलग है,
टेक्नोलॉजी वाइज, मार्केट वाइज, फंक्शन वाइज, इसका मतलब मैंने अपने बिजनेस को कहाँ डाइवर्सिफाई किया, कॉन्ग्लोमेट। क्या टाटा कंपनी कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन करती होगी? हाँ, बट टाटा कंपनी कॉन्ग्लोमेट डाइवर्सिफिकेशन भी करती होगी। एक जगह टाटा ताज होटल्स में डील कर रही है, वहीं दूसरी जगह टाटा तनिष्क में डील कर रही है। तनिष्क सोना एंड ताज होटल का कोई मार्केट वाइज, प्रोसेस वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज कोई लेना देना ही नहीं है, तो उस डाइवर्सिफिकेशन को क्या बोलेंगे? कॉन्ग्लोमेट या सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन, अगर एनसॉफ्ट पढ़ रहे हैं तो, और अगर डाइवर्सिफिकेशन को डिटेल में पढ़ रहे हैं तो एज पर ग्रोथ तो कॉन्ग्लोमेट डाइवर्सिफिकेशन। आई बात समझ? चौथा डिफरेंस पढ़ेंगे जल्दी से। द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर परस्यूइंग, हम कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन क्यों परस्यू कर रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं कंपनी में? बिकॉज हमें लगता है कि अपॉर्चुनिटी कहाँ है, इसी मार्केट में बहुत धंधा है। मोबाइल बनाओ, लैपटॉप बनाओ, टैबलेट बनाओ। लेकिन अगर मुझे लगता है मोबाइल मार्केट रिस्की है, फ्यूचर में चले ना चले तो कुछ पैसा मोबाइल से हटा के कहाँ लगाऊंगा? रेस्टोरेंट में। मेरे को लगता है रेस्टोरेंट में स्कोप है, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि रिलेटेड में नहीं, अनरिलेटेड मार्केट में, अनरिलेटेड प्रोडक्ट में स्कोप है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्लोमेट। तो कॉन्ग्लोमेट का मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी कहाँ दिख रही है आपको, करंट लाइन में या आउटसाइड, जो कि आपको लुक्रेटिव लग रहा है, जो कि आपको बहुत प्रॉफिटेबल लग रहा है, जो कि आपको बहुत लालच देने वाला लग रहा है। तो आप ऐसे मार्केट में कूदो जिस मार्केट में, इस मार्केट से कोई रिलेशनशिप नहीं है। कैसे कैसे? प्रोसेस और मार्केट। आई बात समझ? अरे बोलो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। पहले कंपनी क्या बनाती थी? अच्छा, बेकरी क्या बनाती? बेकरी में क्या बनते हैं? तुम्हें लगता है बेकरी में पेस्ट्री बनती है? बेकरी में ब्रेड बनती है। अब जो ब्रेड बना रहे हो, पेस्ट्री पैटी और केक तो बना ही लेता है, बोलो। हाँ, जब ब्रेड बन गए तो उसके ऊपर क्रीम ही तो लगानी है। तो बेकरी ने क्या बनाना शुरू किया? पेस्ट्रीज और कुछ सिमिलर, सेम सेम प्रोडक्ट। अगर इसका आंसर एस्पेंस ऑफ देना होता तो क्या बोलते हैं? सच में शायद कुछ बच्चे प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं, बट मैं कह रहा हूं वहां पे दिमाग में क्वेश्चन और आता कि क्या हो सकता है, क्या मार्केट सेम है? देखो, मार्केट अगर बदल जाते तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। मार्केट सेम है, प्रोडक्ट बदला है तो सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। लेकिन उसने वो पूछा ही नहीं, कंफ्यूजन खत्म किया, उसने बोला डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बताओ। अब बताओ कौन सा है, क्योंकि इसका टेक्नोलॉजी नहीं तो प्रोडक्ट नहीं तो मार्केट तो सेम है ही। जिस मार्केट में ये बिकता है उसी मार्केट में मेरा प्रोडक्ट भी बिक जाएगा। आई बात समझ? पक्का? अरे आ रही है ना बात समझ? चलो प्लीज क्वेश्चन नंबर 7 अभी समझ पाओगे? नहीं। चलो अभी आता हूँ। ये तो तुमने कर ही लिया, फर्स्ट कर लिया तुमने, इसका सेकंड कर लिया, फोर्थ कर लिया। चलो, तुम बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हो, कोई बात नहीं। हमने डाइवर्सिफिकेशन में भी सिर्फ 2 ही पढ़े, अभी हमने कौन सा नहीं पढ़ा? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में सिर्फ क्या पढ़ा? चलो ठीक है, एक छोटा सा टाइम पास और कर लेते हैं। जनरली मेजर फैकल्टीज इसको शुरुआत में लेके डील करती हैं, बट मुझे ना इसमें कोई शौक नहीं है। मतलब आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर पेपर कैसा आता है, पहले पढ़ तो ले। मैंने अगर आपको ये बताया कि आपका ना क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, उसके बाद बाकी 4 में से कितने करने हैं? कोई 3, क्या कर लोगे ये जान के? पहले ये तो जानो कि कोर्स कंटेंट क्या है। एक बार कोर्स कर लेंगे तो फिर पेपर भी देख लेंगे। लेकिन होती है कुछ बच्चों को, तो उनके लिए पीपीटी बनाई है। ठीक है, आओ पीपीटी सुन ले। आपका क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट का नाम है क्या? इस पेपर का नाम 7AEIS है, जो कि 50 मार्क का है। 15 मार्क के MCQ आएंगे, 35 मार्क के क्या आएंगे? यू कैन रिलैक्स, ये अब ये इजी टॉपिक है, मतलब बकवास है। ठीक है, पेपर 7B सब्जेक्ट का नाम क्या है? कितने मार्क का आएगा? कितने मार्क के MCQ? कितने मार्क के सब्जेक्टिव? कुछ बच्चों ने अभी से प्लानिंग कर ली,
ये ईआईएस खत्म होगी 25 लेक्चर में, एसएम खत्म होगी 15 लेक्चर में, 15 में कितने मिल जाएंगे, 50 लगता है तुम्हें? अच्छा ईआईएस में एमसीक्यू में तो आ ही जाएंगे, एक दो चैप्टर पढ़ लेंगे, हो गया 70 मार्क का सिलेबस। ये गलती मत करना जहां तुमने करा फेल। 100% कोर्स पढ़ेंगे, इतना पढ़ाऊंगा, इतना रिवाइज कर लेंगे हम कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेरा जितना सुन लो और घर जाके एक बार पढ़ लो, और अगर टाइम मिले तो 2-3 आंसर लिख के भी देख लो, टेस्ट भी होंगे। तो बहुत सारे टीचर्स ऐसा करते हैं मार्केट में, टेस्ट लेने के बाद हाईएस्ट वाले बच्चे को 500 रुपये, 1000 रुपये या कोई गिफ्ट प्राइज रखते हैं। मैं नहीं रखूंगा, मतलब मैं पढ़ाने के पैसे ले रहा हूँ और फिर तुम्हें पैसे वापस भी करो कि टेस्ट दो मत दो, नहीं पढ़ना मत पढ़ना, तुम्हारा भविष्य खराब हो रहा है, मैं किस बात के 500 हजार रुपये दूँ? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। चैप्टर खत्म होगा, टेस्ट दूंगा, जिसको देना है दो, जिसको नहीं देना मत दो। टेस्ट हमेशा क्लास टाइमिंग के बाद होगा। फायदा मुझे ये है कि मेरी क्लास एंड में होगी, 2:30 से 5, मैं 2.5 घंटे पढ़ा करूंगा, हम 3 घंटे नहीं पढ़ेंगे, और 2.5 घंटे पढ़ेंगे बिना किसी ब्रेक के, 2:30 से 5, शार्प 2:30, 5 बजे खत्म, छुट्टी, टाटा बाय बाय, खत्म। आपका टेस्ट हुआ करेगा 5 बजे के बाद, चैप्टर खत्म होने के बाद, मतलब हफ्ते में कभी एक हो गया, कभी हफ्ते में हुआ ही नहीं, बिकॉज चैप्टर ही नहीं खत्म होगा तो टेस्ट कैसे हो जाएगा। चैप्टर खत्म, एक टेस्ट हो जाएगा, और टेस्ट हमेशा होगा क्लास के बाद। जिसको अपनी ईगो दिखानी है, सर अभी पढ़ा नहीं, सर कल दे देंगे, वो चला जाए, सर क्वेश्चन पेपर मिल सकता है क्या, हम घर पे दे देंगे, ठीक है, ऐसे बहुत बच्चे आएंगे, वो आपके ऊपर है, आपको तमीज से पढ़ के पास होके टेस्ट दे के जाना है या आपको सिर्फ अय्याशी करनी है। क्लास का टाइम खराब नहीं करूंगा टेस्ट के चक्कर में, कोई गिफ्ट प्राइज नहीं होगा, टेस्ट देना है दो, नहीं देना मत बनो, अपने लिए पढ़ दो, मेरे लिए पढ़ दो, मेरे पढ़ाए हो जाएंगे पास। एक बच्चा भी तुम में से अगर 90+ लिया है अभी तक, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे की जो हाईएस्ट रैंक है वो ऑल इंडिया रैंक 6th है, जैसे आशीष सर के पास तो बहुत ही ज्यादा है, ऑल इंडिया रैंक 1, वो भी 10, 100 में 100 भी है, मेरे पास हाईएस्ट 89 है मार्क्स ईएसएसएम में, और जो रैंक होल्डर है वो हाईएस्ट ऑल इंडिया रैंक 6th है, ठीक है। तो मेरे पास एक भी ऑल इंडिया रैंक आ जाता है ना, मैं उसका शो ऑफ करके जो फेल होते हैं उनको छुपा लेता हूँ, तो मेरे को तो एक बच्चा भी काफी मेरी इज्जत को बढ़ा देगा, फेल से मैटर ही नहीं करता, ठीक है। बट आपको अपने लिए पास करना है, टेस्ट देके रखना। दूसरी चीज, अगर मैं स्किल वाइज बात करूँ, या ऐसे ही कहता है आईसीआई, ऐसे ही कहते हैं कि हम ईआईएस जिसका सब्जेक्ट नंबर क्या है, पेपर 7A, एसएम का क्या है 7B, इस बात का ध्यान रखना, दो अलग अलग कॉपी आएंगी, आई थिंक टेक्स्ट में भी दो कॉपी आती है, एक आती है, दो आती है, बहुत अच्छी बात है, पहले से वैसा ईएसएसएम में होता था। अगर आपने इस वाले पे स्टैंप लग गया ए, तो आपको इसमें सिर्फ कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने, ईआईएस ईएएस ईएएस के, और इसमें स्टैंप लग गया बी, एसएम। अगर आपने इसमें ईआईएस के क्वेश्चन कर दिए, इसमें एसएम के क्वेश्चन कर दिए, और बाद में मुझसे पूछो सर मैंने ऐसा कर दिया क्या करूं, अगला अटेम्प्ट दे बेटा, ठीक है। अलग अलग ऑथर्स के पास जाती है कॉपी चेक होने के लिए, दोनों सेम ऑथर नहीं है, ठीक है। अगर पेपर की बात करूं तो ये भी 50 मार्क का है और ये भी 50 मार्क का है, तो 50 में से 30 से 55%, 50 का 30% कितना हो गया 15, तो 15 से लेके 25 मार्क्स तक का कैसा क्वेश्चन आएगा, कॉम्प्रिहेंशन नॉलेज वाइज, डायरेक्ट क्वेश्चन, डिफाइन कंसेंटेड डाइवर्सिफिकेशन, कंसेंटिंग और कॉन्ग्लोमेरेट में डिफरेंस क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ली। और यहाँ कैसे क्वेश्चन आएंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छा खासा पेट्रोलियम कंपनी में थी, अभी अभी उसने रिलायंस फ्रेश खोला है, बताओ कौन सा डाइवर्सिफिकेशन, यानी यहाँ पे आपको एनालिसिस करना है, यहाँ पे आपको जो पढ़ा उसे अप्लाई करना है, तो आपका इतना परसेंट मार्क ऐसे ऐसे आएगा। एक बार देख लो दोबारा से, एसएम में कितना 30 से 35, वही अगेन 15 से कितने का 25 का, कितने का डायरेक्ट, और 25 से बाकी 50 तक का कितना केस बेस्ड। अगर हम बात करें पेपर की, तो पेपर का दिखाई दिया, ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, डिफाइन डाइवर्सिफिकेशन, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, कैसा क्वेश्चन है, और एप्लीकेशन बेस्ड कैसा होगा, पढ़ना जरा क्वेश्चन, पढ़ो पढ़ो। वस्त्रलोक लिमिटेड स्टार्टेड अ टेक्सटाइल कंपनी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ्स, क्या बनाती थी, कपड़े मैन्युफैक्चर करती थी, दे आर करेंटली किसमें, टॉप मैनेजमेंट क्या सोच रही है, अपने धंधे को एक्सपेंड करते हैं, और क्या करते हैं, कौन सा क्लोथ मैन्युफैक्चर करते हैं, कॉटन। आप बताएंगे कौन सी टाइप की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किए टॉप मैनेजमेंट ने,
डाइवर्सिफिकेशन कौन सी, कौन सी स्ट्रेटजी, बिकॉज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नए प्रोडक्ट से प्रोसेस वाइज, मार्केट वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज सेम है। ये कैसे क्वेश्चन हो गए? एप्लीकेशन बेस्ड, एनालिसिस बेस्ड। पेपर का पैटर्न कैसे रहेगा? ईआईएस क्वेश्चन वन कंपलसरी है, बाकी चार में से कितने क्वेश्चन करने हैं? तीन। लेकिन वो जो चार क्वेश्चन होंगे वो भी आपका दम तोड़ देंगे। वो बोलेगा पहला क्वेश्चन कितने मार्क का? 8 मार्क का। वो क्या कर सकता है, पहला क्वेश्चन क्या कर सकता है? 5 मार्क का। और 1B कितने का? 3 मार्क का। ये कैसा क्वेश्चन है? कंपलसरी। उसके बाद जो 2, 3, 4, 5 ये कितने कितने मार्क के देख रहे हो? पहला क्वेश्चन कितने का है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं? 2 मार्क्स। एक तो 1A करके 2 मार्क का, एक 1B करके कितने मार्क का, तो 2 + 3 कितने हो गए? 5। अगला क्वेश्चन 10 मार्क का, 2, 3, 4, 5 में से क्या है? कोई से भी 3 करने हैं। और ये तीनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन कितने मार्क के हैं? 10। और ये 10 मार्क भी कैसे कैसे टूटेंगे? अगर 6 मार्क का है तो 4 मार्क का दूसरा क्वेश्चन, और 5 का है तो, यानी इससे आपको बस ये आइडिया लग रहा है कि जो भी क्वेश्चन आएगा उसकी मिनिमम औकात कितनी होगी? 2 मार्क की। उसकी मैक्सिमम औकात कितने मार्क की होगी? 6 मार्क की। यानी आपको 2 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से भी थ्योरी लर्न करनी है, और आपको 6 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से भी थ्योरी लर्न करनी है। आपको छोटा पार्ट भी नहीं छोड़ना, बड़ा पार्ट भी नहीं छोड़ना। सेम एसएम में आपका पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 होगा, बिकॉज 1 से लेके 5 कहाँ तक है? ईआईएस में। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंपलसरी है, लेकिन 7, 8, 9, 10 में से क्या करने? कोई से भी 3 करने। 6 क्वेश्चन 5 मार्क का मैंडेटरी, एक डायरेक्ट क्वेश्चन होगा बड़ा सा, आपको उसको सॉल्व करना है। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन होंगे वो 10 मार्क्स के होंगे, या तो कैसे कैसे 6 और 4 के, या 5 और 5 के। इसमें एक इंटरनल चॉइस भी होगी, मतलब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन हो ए बी, बी और बी, यानी बी का ये वाला पार्ट कर लो या बी का ये वाला पार्ट कर लो। लेकिन ये पेपर देखने का मजा तभी आएगा आपको जब आप क्या कर चुके होंगे, पेपर सॉल्व करने लायक तक का सिलेबस कर चुके होंगे। तो इस पैटर्न को दोबारा डिस्कस करेंगे कब? जब सिलेबस कंप्लीट होने की कगार पे होगा। एक छोटी सी बात और, आपका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि सर आप हमें कितनी बुक्स दोगे, बिकॉज आजकल ना मार्केट में बुक्स के हिसाब से टीचर को जज किया जाता है, कितनी बुक दे रहा है तू, उसमें से कलर्ड कितनी है, ब्लैक एंड व्हाइट कितनी है। और आजकल ये प्रमोशन है कि टीचर की शक्ल होनी चाहिए पोस्टर पे, मतलब टीचर शुड बी अ पोस्टर बॉय। अब मेरी है नहीं तो मैं शक्ल नहीं लगाता, बट हम क्या क्या देंगे प्लीज समझ लें। ये तो पैटर्न हो गया, हम बुक्स क्या क्या देंगे आपको? सिर्फ ये 2 ही बुक्स मिलेंगी फिजिकल फॉर्मेट में, एक तो EIS की, एक SM की। एग्जाम तक आपको यही पढ़ना है, यही रगड़ना है, यही सब कुछ पढ़ना है। उस बुक्स के अंदर सब कुछ होगा, जैसे अभी आपको बुक दिखाई थी SM की थ्योरी थी, उसी के नीचे बॉक्स में क्या थे क्वेश्चन, वस्तलोक वाला, कंसेंटिंग वर्सेस कॉन्ग्लोमेट वाला, तो ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसी के नीचे क्या होगा क्वेश्चन। तो आपको एक EIS की बुक मिलेगी, एक SM की बुक मिलेगी फिजिकल फॉर्मेट में। उसके अलावा आपको EIS का एग्जाम कैप्सूल मिलेगा, एग्जाम कैप्सूल मतलब समरी बुक, समरी बुक देखी थी, टॉपिक पढ़ा था फिर उसका समरी देखा था। तो एक EIS का समरी बुक, एक SM का समरी बुक, एक क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक का मतलब है 2009 से लेके अब तक कितने क्वेश्चंस आए हैं, हमें क्वेश्चंस की वैरायटीज पता होनी चाहिए। एंड लास्ट MCQs, MCQ बुकलेट सेम है जो ICA ने दी है, और अभी तक ICA ने जितने भी MCQ पूछे हैं, अब तक की बात कर रहा हूँ, आज फ्यूचर नहीं डिसाइड करेगा, बट आज तक ICA ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं MCQ के, वो इस बुकलेट से पूछे हैं। तो कई बार बच्चा बहुत हताश निराश होकर मुझसे बोलता है सर मुझे ना बस कैसे भी करके इतने मार्क्स सिक्योर करने हैं, तो मेरा लास्ट सजेशन होता है कि EIS और SM की जो ICA के द्वारा दी हुई MCQ बुकलेट है उसके सारे क्वेश्चन तमीज से पढ़ डाल, बिकॉज यही क्वेश्चन कहाँ आएंगे। अब मैंने ये राज यूट्यूब पे खोल दिया, अगर ICA ने सुन लिया तो क्वेश्चन कैन चेंज, बट पिछले 4 अटेम्प्टों से, जब से ये MCQ बुकलेट आई है, पिछले 4 अटेम्प्टों से जितने भी MCQ आए हैं सब कहाँ से हैं? बट प्रॉब्लम क्या है इस ICA की MCQ बुकलेट में, आई थिंक 350 प्लस समथिंग क्वेश्चन है, 350 MCQ सॉल्व करना अपने आप में क्या बहुत सही नॉलेज आ जाएगी? अरे हाँ, 350 MCQ सॉल्व करो तो क्या कुछ तो कॉन्सेप्ट समझ आएंगे, तो अल्टीमेटली आपका नॉलेज भी चेक हो जाएगा। ठीक है।
हाँ जी चैप्टर वाइज टेस्ट का कोई फॉर्मेट ही नहीं होता, आईसे का फॉर्मेट ये एक चैप्टर में सब कुछ नहीं हो सकता ना। हाँ वैसे ही लिखना, वैसे प्रॉपर ठीक बेटा, तुम बस भागना चाह रहे हो। हमने आप दो टॉपिक पढ़े, एक एनसॉफ, एक डायवर्सिफिकेशन किसके रिलेशन में, किसके रिलेशन में, रिलेटेड अनरिलेटेड के बेसिस पे, रिलेशन और अनरिलेशन के बेसिस पे दो टाइप के डायवर्सिफिकेशन होते हैं, पहला कौन सा कंसेंटिक, दूसरा कौन सा कंसेंटिंग में रिलेटेड होता है अनरिलेटेड होता है, कॉन्ग्लोमेरेट में कंसेंटिंग में रिलेटेड किस किस चीज से, प्रोसेस टेक्नोलॉजी मार्केट, कॉन्ग्लोमेरेट में किस किस चीज से अनरिलेटेड, अनरिलेटेड कंसेंटिंग में क्यों घुसते हैं, क्यों करते हैं कंसेंटिंग, हमें लगता है इसी मार्केट में और कॉन्ग्लोमेरेट में क्यों कूदते हैं, हमें लगता है इसमें नहीं मजा तो उस मार्केट में है। हाँ दूसरा पढ़ा एनसॉफ, एनसॉफ में कितनी स्ट्रेटेजी थी, चार, पहली थी मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन मतलब क्या, एग्जिस्टिंग मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या, मार्केट सेम प्रोडक्ट नया, मार्केट डेवलपमेंट मतलब क्या, प्रोडक्ट सेम मार्केट नया, और लास्ट डायवर्सिफिकेशन दोनों जगह है, ग्रोथ में भी है एनसॉफ में भी है, एनसॉफ में डायवर्सिफिकेशन डायवर्सिफिकेशन है और ग्रोथ में डायवर्सिफिकेशन डिटेल्ड है, तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। ये पीपीडी चाहिए, नंबर शेयर कर चुका हूँ, वहां से आप मुझे मैसेज कर देना, ये पीपीडी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। आपकी नेक्स्ट क्लास अब टीटीएस में हुआ करेगी, बता दिया, थर्सडे से होगी आपकी नेक्स्ट क्लास, थर्सडे थर्सडे थर्सडे।